ऐतिहासिक सभागार का आज उद्घाटन भी हुआ है। अतिथि सभागार में स्थान ग्रहण कर चुके हैं। आप सबसे अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। और इस निवेदन के साथ कि अपना अपना अपनी चलवाड़ी मोबाइल उसको स्विच ऑफ में रखें या साइलेंट मोड पर कर लें, जिससे पूरे कार्यक्रम का लगा दें। जिस प्रांत में हम आज ये कार्यक्रम कर रहे हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हमारे माननीय प्रांत प्रचारक जी राणा जी, कृपया आप आगे आ जाएं, अतिथियों के साथ स्थान ग्रहण करें। आप सभी बंधु भगिनी से अनुरोध है अपना स्थान ग्रहण करें। बैठिए। अच्छा वहाँ बैठे उनको अंदर जी जी हेलो ऋषियों के देश भारत, ऋषियों के देश भारत में यहाँ का प्रत्येक कणकण, प्रत्येक अंचल उनकी तापस ऊर्जा से पूजायमान होता रहा है। आप अनुभव कर रहे होंगे इस सभागार में आकर, इस राष्ट्रीय महाधिवेशन में प्रतिभाग कर
मुझे विश्वास है कि आपको इसकी अनुभूति होगी। 3 दिन के समारोह में एक ऊर्जा लेकर के आप यहाँ से जाएंगे। हम सबका सौभाग्य है कि आज के इस समारोह में यह हमारा उद्घाटन सत्र है। गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के आयोजकत्व में हम सबको मालूम है कि एक बोधवाक्य लिया है इस विश्वविद्यालय ने, विद्या धर्म स्वधर्म प्रधानम। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना की जो मूल संप्रेरणा है आचार्य मल्लिनाथ की, नामूलम लिखते किंचित, इसके साथ भारत सरकार की संस्थाएं, हमारा विश्वविद्यालय, कई संस्थाएं जुड़ी हुई हैं। भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के सहयोग से यह जो अधिवेशन हो रहा है, संगोष्ठी हो रही है। नास्ति सत समो धर्मो न सत्ता बीते परम, सत्य से बड़ा कुछ भी नहीं है और इतिहास सत्य लेखन है। ट्रूथ इज द बेसिस ऑफ हिस्ट्री, हम सब संकल्पित हैं उसके लिए। मैं आप सब की ओर से, अपनी ओर से, योजना की ओर से, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद की ओर से, गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय की ओर से, कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा की ओर से आप सबका स्वागत करता हूँ। हमारे अतिथियों ने एक ऐतिहासिक जो धरोहर हमारी है, चित्र प्रदर्शनी का आज लोकार्पण किया है। 3 दिन तक आप उसका अवलोकन करेंगे। बहुत सारी प्रेरणास्पद, छूने वाले, मन को छूने वाले ऐसे पल आपको उसमें देखने को मिलेंगे जो कभी आप भूल नहीं पाएंगे। इसी के साथ इस क्षेत्र में जो उत्खनन हुए हैं उसकी भी प्रदर्शनी लगाई गई है। मेरा अनुरोध है कि आप समय निकाल करके उनका अवश्य अवलोकन करें। आज के सभागार में देश भर के सभी प्रांतों से लगभग जहां जहां हमारा कार्य है, प्रत्यक्ष रूप से 38 प्रांत तो हमारे कार्य क्षेत्र में है ही, और भी जहां भी हमारा संपर्क है, हमारे सारे इतिहासकार बंधु भगिनी आए हैं। इस क्रम में मैं अपने अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करने के पूर्व उनके संबंध में, आप सब सर्वज्ञ हैं, जानते हैं, हमारे शुरू से ही, आरंभ से ही इतिहास संकलन योजना के मार्गदर्शक रहे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहसरकारवाह रहे और वर्तमान में हमारे पालक अधिकारी के रूप में हमारा प्रतिपल हमको पाथे देने वाले आदरणीय श्री सुरेश्वरी जी सभागार में उपस्थित हैं, जिनका पाथे हमको प्राप्त होगा। इसी के साथ भारत सरकार के जो भारी उद्योग मंत्री, अमूलतः भारतीय विधा के अच्छे अध्येता डॉक्टर मेहनत पांडे जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत करता हूँ। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री गोपाल नारायण सिंह जी, जो हमारे संरक्षक भी हैं, अभिभावक के रूप में हमेशा उन्होंने इतिहास संकलन योजना को पोषित किया है, और उनके आमंत्रण पर आप सब यहाँ आए हैं। डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह जी हमारे इस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं। आप सबसे अनुरोध करता हूँ कि कृपया मंच पर स्थान ग्रहण करें, और स्थान ग्रहण कर सामने रखा हुआ जो अर्चा का पुष्प है, भारत माता को अर्पित करते हुए, बाप साहब को अर्पित करते हुए मंच पर स्थान ग्रहण करें। माननीय सुरेश सोनी जी, डॉक्टर महंत पांडे जी, श्री गोपाल नारायण सिंह जी, डॉक्टर देवी प्रसाद सिंह जी हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह जी, नंदिता दास और डॉक्टर जूरी से अनुरोध है
इसी अवसर पर अपना स्वस्ति वंदना प्रस्तुत करेंगे। वंदे ताम परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिं प्रदाम शारदाम। यह मेधा का क्षेत्र है, विद्या का क्षेत्र है, बुद्धि का क्षेत्र है। याम मेधाम देवगढ़ा पितरस्य पासते तया मामद्य मेध्याग्नि मेधाग्निम गुरु। आज के इस त्रिदिवसीय राष्ट्रीय महाधिवेशन में जो क्रम से 12वां महाधिवेशन है, महाकाल लोक यात्रा शुरू हुई थी 1991 में। आज यहाँ भगवती के अंचल में ये अधिवेशन हो रहा है, हम सबका सौभाग्य है। हमारी परंपरा है, हम कार्यक्रम प्रारंभ है संकल्प मंत्र से करते हैं, क्योंकि वह भी एक लंबा इतिहास है। मैं संकल्प पत्र वाचन के लिए अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गुजरात निवासी हमारे गिरीश भाई ठाकर का आमंत्रित करता हूँ। गिरीश भाई ठाकर, नमस्कार। आप सबसे निवेदन है कि संकल्प के संपूर्ण होने के बाद सब लोग अपना हाथ ऊंचा करके ओमकार का पठन करें। हमारी प्रथा के अनुसार हम किस समय
क्यों, कहाँ, कौन सा कार्य कर रहे हैं, उसका शुद्ध हृदय से संकल्प करते हैं। अतः ये संकल्प वही है, मैं उसका पठन करता हूँ। हरि ही ओम। विष्णोर्विष्णोर्विष्णोः प्रवर्तमाने श्री ब्रह्मणो द्वितीये परार्धे श्वेतवाराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे युगाब्दे पञ्चसहस्र एकचतुर्विंशतितमे कलियुगाब्दे तदनुगुणं विंशतिः द्विसहस्रचतुर्विंशतितमे विक्रमाब्दे पौषमासे शुक्लपक्षे चतुर्थ्यां तिथौ तदनुगुणं द्विसहस्रद्वाविंशतितमे ईशाब्दे डिसेम्बर मासे षड्विंशतितमे दिनांके अत्र समुपस्थिताः वयम् बुद्धावतारे विहार प्रदेशे तत्रापि अनेकैः महापुरुषैः पवित्रितकृते पाविते संस्थाने सोन नद्याः संनिकटतमे प्रदेशे श्री मंडादेवीयाः अधिष्ठिते अस्मिन् प्रदेशे नानकजी तेज बहादुर इत्यादि कई चरण पाविते स्थले अस्मिन् स्थाने श्री गोपालदास विश्वविद्यालये समुपस्थिताः वयम् इतिहास संकलन योजनायाः सर्वेपि कार्यकर्तारः विद्वांसः मार्गदर्शकः सर्वेपि मिलित्वा अस्माकं स्व स्वतंत्रता एवं अस्य संरक्षणार्थं कृताः सर्वेपि प्रयत्नाः अतीततः आरभ्य अद्य पर्यन्तं ये कृताः सन्ति तेषां चिंतनम् एषा अस्माकं भारतमाता। पुनः एकवारं गौरवास्पदं पदं विश्वे प्राप्नुयात् इति चिन्तयित्वा राष्ट्रस्य सम्मानार्थं राष्ट्रस्य गौरवार्थं इतिहासे समुपस्थितानां स्थापितानां सर्वेषां विकृतीनां निरसनपूर्वकं पूर्णं चिन्तनं कृत्वा अत्र वयं कार्यं करिष्यामहे। सर्वेपि हस्तान् उत्थाय ओंकारं वणन्तु। धन्यवाद। यह संकल्प मंत्र हम सबके जीवन का संकल्प बने, यही इतिहास के अध्येताओं से अपेक्षा होती है। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं इस समृद्ध मंच को, हम सब गौरवान्वित हैं इस मंच के सानिध्य में, उस भारतीय मनीषा के ज्ञान से जो ध्वनि निकलने वाली है, कहीं न कहीं इतिहास को तथ्यपरक सत्यपरक दिशा में ले जाएगी। अतिथियों का आप सब की ओर से हार्दिक स्वागत है। सबसे बाएं देख रहे हैं गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी, मूलतः
चिकित्सक हैं, नेत्र चिकित्सक हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के। और जब कोई चिकित्सक किसी ऐसे विश्वविद्यालय की परिधि में आकर के अपना योगदान देता है तो उसकी पैनी दृष्टि कैसी होगी हम सब अनुमान कर सकते हैं। विश्वविद्यालय का परिसर उसका साक्षी है। आपका स्वागत है, आपने हमको आमंत्रित किया है। योजना परिषद और सारी संस्थाएं जिनके संयोजन से यह अनुष्ठान चलने वाला है, हम सब आपके आभारी हैं। आप देख रहे हैं उनके बाद इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति श्री गोपाल नारायण सिंह जी को, उनके बारे में मैं जब सोचता हूँ तो शब्द कम मिलते हैं। गोपाल नाम ही पर्याप्त है इन सबकी रक्षा का, सबके पालन का। राज्यसभा के माननीय सांसद रहे हैं, बिहार की राजनीति में, बिहार के सामाजिक जीवन में एक बड़ी रेखा खींची है आपने। चाहे विधानसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, सत्य के प्रति जो उनका समर्पण है वो आपको दिखाई दे रहा है। नई दिल्ली में हमारा जो केंद्रीय कार्यालय था, पुनर्रचना के लिए जब उसका स्थान रिक्त करना था थोड़े समय के लिए, तो हमें चिंता थी कि हमारा कार्यालय कहाँ जाएगा। आदरणीय गोपाल नारायण सिंह जी उसमें सांसद थे, 1100 का रोड आप सब जानते हैं। उन्होंने सहर्ष वहाँ हमको आमंत्रित किया, सहयोग किया, हमारा कार्य संचालित है। ये संरक्षकत्व, ये अभिभावकत्व बहुत दुर्लभ होता है। मैं कल उनसे बात कर रहा था इस पूरी पृष्ठभूमि को लेकर के, तो कह रहे थे मेरे भीतर एक विद्यार्थी बैठा रहता है, कुछ कुछ सीखने का मन करता है, प्रयोगधर्मी है वो, देश दुनिया से जो अच्छी चीज़ें हैं लाना चाहते हैं। बिहार का गौरव है। आप देख रहे हैं इस परिसर को, आप साक्षी हैं। मैं उनको नमन करता हूं आप सब की ओर से, अपनी ओर से। बहुत दिनों से इच्छा थी कि उनके इस कृतित्व को आपके माध्यम से, आपकी ओर से एक दर्शन कराने की, देखने की। बड़ा सहज व्यक्तित्व, मधुर व्यक्तित्व, आत्मीय व्यक्तित्व के धनी हैं गोपाल जी, और हम सबके लिए प्रणास्पद हैं। हमारे आदरणीय महेंद्र पांडे जी, मैं छात्र जीवन से उनको जानता हूँ, एंग्लो बंगाली इंटर कॉलेज के अध्यक्ष पद से लेकर के छात्र संघ के, काशी हिंदू विश्वविद्यालय के महामंत्री के रूप में छात्र संघ के, और फिर उत्तर प्रदेश सरकार, फिर केंद्र सरकार, एक लंबी यात्रा आपकी है। मूलतः पत्रकारिता और हिंदी के क्षेत्र में आपका अनुसंधान रहा है। कई मंत्रालय आपने संभाले हैं, और जो सहजता है उनके भीतर की, जो महेंद्रत्व है उनके भीतर व्यक्तित्व में, उसको नमन करता हूँ अपनी ओर से, आप सब की ओर से, कि उन्होंने समय दिया हमारे इस महाधिवेशन के लिए। और हमेशा उनकी सहजता हमको आकर्षित करती है, अपने बीच में उनको पाने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनको बोलने के लिए। आप सब जानते हैं हमारे आदरणीय सोनी जी, आरंभ से ही हमारे पालक रहे हैं। मूलतः गुजरात के सूरत नगर जिले से हैं। लगभग 50 वर्ष का सारा जीवन उनका प्रचारकत्व का है।
बड़ी अल्पाई में ही आपने अपने आप को संघ के स्वयंसेवक के रूप में समर्पित किया। अनेक दायित्वों के साथ जो उनकी भूमिका है देश में, समाज में, युवाओं के बीच में, हम सबके बीच में, एक गंभीर चिंतक की है, एक तत्वदर्शी आर्ष परंपरा के ऋषि की है। ऋषत्व सत्य का आलोक देता है, राह दिखाता है, मार्ग दिखाता है। मूलतः राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में रहे, लेकिन इतिहास, दर्शन, देश का भविष्य, दुनिया का भविष्य, विश्व मंगलता कैसे हो इतिहास के माध्यम से, इस फलक पर हम उनको पाते हैं। उनके एक पल पाने के लिए, सुनने के लिए हम सब आतुर हैं। 3 दिन तक हमारे बीच में हैं। निश्चित रूप से आपको जो ऊर्जा मिलेगी, जो मार्ग मिलेगा, वह इतिहास लेखन की दिशा में, चाहे वह दूरगामी इतिहास की धारा हो, चाहे तात्कालिक धारा हो, सब में उसका उपयोग आएगा। आदरणीय डॉक्टर डी प्रसाद सिंह जी 1982 से ही इतिहास संकलन योजना के उत्तर प्रदेश इकाई के महासचिव रहे, अखिल भारतीय संगठन बना तो महासचिव बने, मूलतः संघ के प्रचारक रहे। बाद में इन्होंने शिक्षण जीवन में प्रवेश किया, आचार्य प्राचार्य जैसे पदों पर बहुत कुशल नेतृत्व आपका रहा है। काशी केंद्र आपका है, आपके मार्गदर्शन में इतिहास संकलन योजना का संगठन और पूरा अकादमिक सत्र चल रहा है, आप सब साक्षी हैं उसके। मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, अपने कार्य अध्यक्ष को नमन करता हूँ, उनका आशीष मिलता रहे। ये बड़ा समृद्ध सभागार है, आज का लोकार्पण भी हो गया। आदरणीय गोपाल नारायण जी की इच्छा थी कि श्रद्धेय सोनी जी का चरण इस कक्ष में पड़े और वो सफल हुआ। आज वो मुहूर्त भी बड़ा महत्वपूर्ण है जब साक्षी है हमारे सभागार में, पूरा देश साक्षी है। इस समय पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर आर के सिंह जी बैठे हैं, नालंदा महाविहार जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उसके माननीय कुलपति प्रोफेसर बद्रीनाथ लाभ जी बैठे हैं, हमारे अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं, हैदराबाद विश्वविद्यालय के हमारे कुल सचिव रहे, वहाँ के प्रोफेसर रहे प्रोफेसर बी किशन राव जी बैठे हैं, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के सदस्य सचिव के नाते उन्होंने काम किया, मध्य प्रदेश सरकार में शिक्षा अधिकारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, इतिहासकार हैं प्रोफेसर कुमार रत्नम जी, प्रोफेसर एम कोटरेश जो टुमकुर विश्वविद्यालय है कर्नाटक का, वहाँ से आए हैं, हमारे कार्यकारी के सदस्य हैं, माननीय सूबेदार जी जो इतिहास की दृष्टि से निरंतर चिंता करते हैं, हमारे पालक वो भी हैं और क्षेत्रीय धर्मनागरण प्रमुख हैं, यहाँ के प्रांत प्रचारक दक्षिण बिहार के माननीय राणा प्रताप जी बैठे हैं, इतिहास संकलन योजना के साथ संबद्ध रहे और भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के हमारे पूर्व अध्यक्ष रहे, दक्षिण कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटी के माननीय कुलाधिपति रहे, ऐसे हमारे प्रोफेसर जामखेड़कर जी बैठे हैं, मुसे एम एल वर्मा बैठे हैं पूर्व कुलपति गोपाल नारायण विश्वविद्यालय के, और पूरा परिवार बैठा हुआ है, गोपाल नारायण जी का पूरा परिवार लगा हुआ है इस काम में, और सभी लोग जिनको मैं नहीं समय के भाव के नाते बोल पा रहा हूँ, उन सबको मैं नमन करता हूँ अपनी ओर से, आप सबकी ओर से, कि आपने समय निकाला हमारे सभागार में इस ज्ञान सत्र को, आपकी उपस्थिति से एक ऊर्जा मिली है, इसके लिए मैं आप सबके प्रति आभारी हूँ। डॉक्टर भीम सिंह जी और सैल सिंह जी जो यहाँ के पूरे विश्वविद्यालय की व्यवस्था से, जो कुलपति की पूरी व्यवस्था है उससे, सब लोग आए हुए हैं, और भी देश से कई भागों से हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी आई है, उन सबको मैं नमन करता हूँ।
समय कम होता है ऐसे कार्यक्रमों में। मैं अनुरोध करना चाहता हूं आप सब की ओर से अपने आदरणीय डॉक्टर गोपाल नारायण सिंह जी को, माननीय कुलाधिपति इस विश्वविद्यालय के, अपने मन से अपनी वाणी से आप सबके प्रति आभार चाहते हैं, स्वागत चाहते हैं। माननीय गोपाल नारायण सिंह जी, परम पूज्य सोनी जी, हमारे मंच पर उपस्थित भारी उद्योग मंत्री महेंद्र पांडे जी, हमारे सचिव ईश्वर चंद जी, आदरणीय देवी प्रकाश जी, हमारे कुलपति महेंद्र सिंह जी और हर एक प्रदेश से आए हुए सभी विद्वत वर्ग, सुबह सभी प्रतिनिधि बंधुओं को स्वागत करते हुए मैं अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आपने बिहार के इस कोने में, जहाँ से 60 किलोमीटर के बाद झारखंड शुरू होता है, सुदूर माना जाता है बिहार का, यहाँ पर आप आने की कृपा किए और आप इस संस्थान को अपनी उपस्थिति से धन्य किए हैं। और आपकी उपस्थिति ही हमको गौरवान्वित कर रही है कि जिस उद्देश्य से हम इस शिक्षण संस्थान को शुरू किया, उसमें हमको लक्ष्य प्राप्ति में आपका सहयोग मिलेगा। और आपके आने से हमारे संस्था के बच्चों को भी काफ़ी लेसन मिलेगा, शिक्षा मिलेगी कि देश के किसी कोने में कोई बाकी नहीं रह गया जहाँ यहाँ आप लोग प्रतिनिधि बन के नहीं आए। इसलिए मैं अपने को, इस संस्थान को धन्य मानता हूँ। और सबसे बड़ी सोच हमारी थी कोई इस शिक्षण संस्था में जब भी कोई पहला पदार्पण करे तो शिक्षण संस्थाओं से भी जुड़े हुए सभी व्यक्ति आए, क्योंकि गुरु ही भविष्य बनाता है और भविष्य बनाने वाले आप लोग हैं, अगली पीढ़ी को शिक्षित करने वाले आप हैं। इसलिए आपके सामने नतमस्तक होना अपना गर्व मैं महसूस करता हूँ। बंधुओं, मैंने जो भी सीखा है और जो भी मेरे दृष्टिकोण में है, जो मैं कर रहा हूँ, उसके परिकल्पना हमारी नहीं है। हमारे पूज्य सोनी जी जैसे मनीषी देश में काफ़ी लोगों से संपर्क होते रहा है और मैं जिस संस्था में पढ़ा हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद 1964-62-65, वहाँ के जो शिक्षकों के रहन सहन, वातावरण, सोच समझ था और शिक्षा के प्रति जो लगाव था, जो वो बच्चों को शिक्षित करना चाहते थे, और वहीं मैंने उन शिक्षकों से सुना था कि शिक्षित करना और पढ़ाना दोनों बहुत का अंतर होता है। किसी व्यक्ति को शिक्षित करना और पढ़ाने में अंतर होता है कि आप आए, रूटीन वर्क पूरा किए, पढ़ाए और चले गए, लेकिन शिक्षित करना उनके हर एक आचरण को, उनके पढ़ाई के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना और भविष्य में कैसे उनको रहना है और समाज और देश के प्रति क्या उनकी धारणा होनी चाहिए, ये सभी सम्मिलित होती हैं।
इसलिए मैं राजनीतिक क्षेत्र में रहा हूँ। हमारे शुरू से सोनी जी का आशीर्वाद, हमारे बिहार में जब क्षेत्र प्रचारक थे उसी समय से मिला है, उनका भी दृष्टिकोण मिला है। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमने इस शिक्षण संस्था शुरू किया और मैं दो बिंदुओं पर संघर्ष कर रहा हूँ। एक समाज से जो प्राइवेट संस्थाओं को सिर्फ वो लोग पैसा कमाने के साधन मान के मानते हैं, दूसरी कि लड़के गार्जियंस किसी बड़े संस्था का नाम लेके अपने लड़के को वहाँ भेज के डिग्री प्राप्त करने के बाद अपने को गौरवान्वित करते हैं, लड़के शिक्षा ग्रहण करने में कोताही करते हैं और सिर्फ डिग्री पर ध्यान देते हैं, पढ़ाई और शिक्षा पर उनका ध्यान नहीं रहता है। किसी तरह से हमको डिग्री मिल जाए, और ये आदत आज की नहीं है, ये आदत हम गार्जियन के द्वारा लगाया गया है, हम माफ करेंगे शिक्षकों के द्वारा भी कहीं ना कहीं इसमें कमी रही है। इसको कैसे दूर किया जाए, इस सोच को हमको आगे लाना चाहिए, क्योंकि लड़के पढ़ने से कम शिक्षा ग्रहण में ये डिग्री लेना चाहते हैं क्योंकि उनको नौकरी मिलेगी। माने हमारे शिक्षा का लक्ष्य जो पश्चिमी देशों ने हमारे यहाँ शुरू किया उसका उद्देश्य था आपको नौकर बनाना, और वही सोच लेके हम लोग आज चल रहे हैं। परिणाम ये हो रहा है कि हम शिक्षक गण या व्यवस्थापक या संस्था के संस्थापक इस दृष्टिकोण को नहीं सोच पाते हैं कि हम जिस लड़के को शिक्षित कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और उसका ध्यान अपने नंबर पर है, हम उस नंबर को एग्जामिनिंग बॉडी बन के पढ़ा नंबर बढ़ा के उनको दे रहे हैं। गार्जियन की सोच है कि पैरवी करके हमको लड़के को इतना नौकरी मिल जाए ताकि हम किसी तरह से किसी नौकरी इसको मिल जाए, नहीं तो कहीं ना कहीं शिक्षक बन जाए, क्योंकि आजकल शिक्षक बनना भी आर्थिक साधन बन गया है, आर्थिक उन्नति का, नौकरी का। लेकिन ये दिमाग में नहीं आता है कि हम जिस लड़के को पूर्ण शिक्षा नहीं दे रहे हैं उसको हम किसी तरह से पार कर दे रहे हैं, नंबर बढ़ा दे रहे हैं, गार्जियन नंबर पर दिलवा दे रहा है। अगर वो लड़का शिक्षा विभाग में जाएगा, वो लड़का टीचर बनेगा, तो अपने अगले जनरेशन को क्या पढ़ाएगा, हम लोग इस पर नहीं सोचते। अगर हम अगले जनरेशन को अपने से प्रतिभाशाली नहीं बनाएंगे तो वो अगले जनरेशन को करेगा, अगर अपना अगले जनरेशन को हम पूर्ण शिक्षित नहीं करेंगे तो वो अपने अगले जनरेशन को कमज़ोर बनाएगा। इसके चलते हमारे एजुकेशन सिस्टम में डिप्रेशन शुरू हो गया, हम लोग गंभीरता से सिस्टम को नहीं लेते हैं, जो कि इस देश की तरक्की के लिए बेसिक स्ट्रक्चर वही है। और मैं आज अपने को धन्य मानता हूँ कि हमारे इतिहास संकलन विभाग ने हमको इतना सक्षम माना कि हमारे यहाँ इतने बुद्धिजीवी लोगों को सामने लाया, मैं उनके सामने नमन करता हूँ। कारण है कि ये शिक्षण संस्थान है, इस संस्था को खड़ा करने में मेरी सोच एक ही रही है कि एक लड़के को अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए उस वातावरण का, उस शिक्षण संस्था का माहौल पढ़ाई लिखाई लायक बने, वातावरण उसके शांत रहे, उसके मन में कोई इच्छा हो उसकी पूर्ति करने के लिए हम सभी साधन व्यवस्था करें, और हमेशा हर एक विभाग का बड़े बड़े लोगों का सेमिनार होते रहे ताकि उसका भी बच्चों के स्वास्थ्य पर, उसके बुद्धि पर असर पड़े। और जब से ये संस्था बना और ये दो तीन नीचे ऑडिटोरियम बने, माननीय अमित शाह जी के द्वारा नीचे का उद्घाटन किया गया था,
मेरी इच्छा थी जब सोनी जी का प्रोग्राम बाल मुकुंद जी ने दिया तो मैं अपने धन्य महसूस किया कि सभागार का हम सोनी जी से ही उद्घाटन कराएं, ताकि मेरे लिए इससे बड़ा सौभाग्य हो ही नहीं सकता। एक महापुरुष ऋषि इस संस्था को आशीर्वाद देने के लिए आए। अब देश में एक समस्या जिसको हमको और आपको सबको मिलकर पूरा करना है। देश में बहुत डेवलप हो गया, इतिहास के बारे में लगातार बहुत चल रहे हैं देश में, और लगभग सभी देश में स्पष्टीकरण आ भी गया कि देश की इतिहास क्या है। लगभग 80% लोगों के दिमाग में आ गया कि हमारा हिंदुस्तान इतिहास छुपाया गया है। आज इतिहास संकलन विभाग की जिम्मेवारी बनती है, जो उन्होंने शोध किया, जो उन्होंने लिपिबद्ध किया, उसको एग्रेसिव रूप में समाज में लाना हमारी और आपकी सबकी दायित्व बनती है। अभी तक रिसर्च किए हैं, इसका डायलॉग चला है सरकार से लेकर पूरे देश, और लगभग जनमानस उस दिमाग पर आ गया है। अब हम उसको सरकार की जिम्मेवारी बनती है और हम शिक्षकों की जिम्मेवारी बनती है कि हम प्रखर बने और समाज में ये बोल्डली फेस करें। राजनीतिक पार्टियां तो अपने स्वार्थ से चलती हैं, निर्णय उनका अपने स्वार्थ वोट बैंक से चलता है, लेकिन हम जहां बैठे हैं और जो ये इतिहास संकलन विभाग है, इसने जो रिसर्च देश का बीड़ा उठाया है कि देश के इतिहास को हम बदलेंगे और अपने ओरिजिनल फिर पढ़ पाएंगे, इसलिए हमारी जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है। सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है, क्योंकि मैं एक चीज़ उल्लेख करके माननीय पूज्य सोनी जी के सामने बोल दूँ कि मैं पार्लियामेंट्री कमेटी शिक्षा विभाग के स्टैंडिंग कमेटी में था, तो मैं बार बार NCERT के लोगों को बुलाता था, 4-5 बार बुलाए। हमारे जो चेयरमैन थे उनसे भी मैंने आग्रह किया कि भाई इतना रिसर्च हो रहा है हमारे ये इतिहास संकलन विभाग के द्वारा, उनको बुलाया जाए, उनसे भी बात किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी सोच संघ के नाम लेके, संघ के विचारधारा लेके तो हम आगे बढ़ जाते हैं, लाभ ले लेते हैं, लेकिन उस विचारधारा को आगे बढ़ाने में कहीं ना कहीं हम कोताही जरूर करते हैं। मैंने उस 2-3 विभाग में 2-3 NCERT के चेयरमैन से 20-21 में प्रोसीडिंग में है कि कबूल करना पड़ा उनको कि हमसे 1981 में दबाव दे के इतिहास लेखन कराया गया, इससे ज़्यादा प्रमाण क्या हो सकता है। NCERT के 3 अध्यक्ष, केदार सिंह का नाम को याद है, 2 आदमी और हैं, उन्होंने हाउस में स्टैंडिंग कमेटी में कमिट किया कि हाँ हमसे बस, मैंने 3-4 बार क्रॉस क्वेश्चन किया तो उन्होंने कबूल किया कि हाँ हमसे 1981 में दबाव दे के ये इतिहास का लेखन कराया गया। अगर ये हाउस में प्रोसीडिंग में है तो हाउस को दिक्कत क्या होती है कि इसको इम्प्लीमेंट करने में। मैं चाहूँगा कि हमारे पूजनीय के सामने हम सभी लोग डिस्कस करें और एक निर्णायक स्थिति पर पहुँचे, क्योंकि इस देश की निर्णय लेने की क्षमता नियति बनाती है और इसका इतिहास भी है। मैं उल्लेख कर दूं, अपने हमारे पूर्वज पंडित जी हमको एक बार उन्होंने जिक्र किया था, और एक कैसे बड़े विद्वान के सामने 2 महारथी बात कर रहे थे, उसमें एक प्रकरण याद आ गया कि इस देश को नियति चलाता, हम और आप नहीं चलाते। और उन्होंने एक उदाहरण दिया, माफ करेंगे थोड़ा समय ले रहा हूँ, नियति चलाती है। और उन्होंने उदाहरण दिया कि राम के पहले सभी राजा महाराजा हुए उनके वंशावली में, लेकिन भगवान कोई नहीं बना। जो कोई राज्य किया ही नहीं उसी को हम लोग भगवान माने। रावण जैसा समझशाली व्यक्ति के साथ एक दृष्टि पहने हुए आदमी सा किया और देश की एक व्यवस्था रचना की, उसके 2,500 वर्ष के बाद आई महाभारत हुआ।
उसमें भी विद्वान लोग था, पुरुषार्थी लोग था, लेकिन देश की जो राम के द्वारा स्थापित समय परिस्थिति था उसका सर्विस नहीं किए, महाभारत हो गया। उसके 2500 वर्ष के बाद आई गौतम बुद्ध आए, लेकिन विचार उन्होंने किया, हमारी कुरीतियों पर उन्होंने अटैक किया, लेकिन साम्राज्य और राजनीति सुदृढ़ करने के, देश की रक्षा करने के लिए चाणक्य आए, उन्होंने चंद्रगुप्त को खड़ा किया और ये 2500 वर्ष पूरा हो रहा है। 50-60 साल पहले 1963 में पंडित जी ने कहा था प्रोफेसर मेहता को, जो हमारे दुनिया के सबसे बड़े विद्वान माने जाते हैं अर्थशास्त्र के, कि अब समय आ रहा है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने कहा कि अब लगभग समय आ रहा है उसी तरह के कोई न कोई महापुरुष आएगा और देश की दिशा बदलेगा। अब आपको लग रहा है कि नहीं कि कोई महापुरुष आया है जो देश पर की दिशा देने के लिए कोशिश कर रहा है? समय को पहचानिए। आप देखिए, एक व्यक्ति देश के बारे में चिंता कर रहा है, दूसरा समाज को ऑर्गेनाइज कर रहा है और तीसरा उसको ठोक रहा है, और दोनों सन्यासी हैं। राम भी सन्यासी थे, भरत भी सन्यासी थे, वेदव्यास भी थे, कृष्ण भी जो योगी थे, और यहाँ भी आइए, योगी थे गौतम बुद्ध, चाणक्य भी योगी थे। आज भी शुरुआत योगी से हुआ, पृष्ठभूमि में हर एक जगह कोई ना कोई महापुरुष होते हैं। 100 साल की तपस्या संघ ने जो किया उसके प्रतिफल है कि ये इतना रूप खड़ा हुआ है, और उसके हम एक अंग हैं। हमारी और बीमारी बहुत बढ़ जाती है कि जो उन्होंने सोचा देश में करना चाहें वो बीमारी हमारे कंधों पर है, और इस बीमारी को हमको पूरा करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ सबको नमन करते हुए स्थान ग्रहण करते हैं, सभी पूज्य लोगों को प्रणाम करते हुए स्थान ग्रहण करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। जिन्होंने विजिगीषता जिया है, आदरणीय गोपाल नारायण सिंह के वचनों को सुन रहे थे आप। मेरे मन में था कि पहले वो अंतर्मन की सारी बातें आपके सामने रखें, एक रेखा खींचें आपके सामने, अमित रेखा, और आप यहाँ से लेके जाएं। उनके स्वागत के बाद अब आपकी ओर से, योजना की ओर से आदरणीय गोपाल जी का स्वागत करना है। इस क्रम में सबसे पहले मैं इस विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति डॉक्टर गोपाल नारायण सिंह जी से अनुरोध करता हूँ कि जिनको परिस्थिति को पा करके उन्होंने अपने जीवन को धन्य माना, भारतीय ऋषि परंपरा के हमारे ऐसे तपहपूत श्रद्धेय सुरेश सोनी जी का स्वागत करेंगे। श्री गोपाल नारायण जी, यह पल ऐसा है, बड़ी भीतर तक इसकी छाप जाती है, यही मनीषा है जो भारत की धरोहर है, हम सबके लिए गौरवान्वित करने वाला विषय है। साल श्रीफल उत्तरीय एक प्रतीक है जो मन के भाव हैं उसको आप पढ़ सकते हैं। हमारे मुख्य अतिथि और भारत सरकार के हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री भारी उद्योग, शुरू शुरू में 14 के बाद से लगातार जो सांसद बने वो चंदौली से,
तो उनको केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय दिया गया था, राज्य मंत्री थे उसमें, वो प्रत्यक्ष उनका संबंध शिक्षा से रहा है, आचार्य परंपरा के धनी हैं, आप सब की ओर से तो उनका स्वागत है ही है। इस विश्वविद्यालय की ओर से डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह जी आपका स्वागत करेंगे, हमारे सारे प्रतिनिधियों की ओर से, इस विश्वविद्यालय के परिवार की ओर से आपका बार बार स्वागत है। अपने यात्रा क्रम में जब भी आप जाएं, एक पड़ाव यहाँ भी रखें, सुखद अनुभूति होगी। माननीय डॉक्टर महेंद्र पांडे जी, ये चित्रों में आने वाला पल, इसकी छाप बड़ी गहरी होती है। आप जब भी देखेंगे अनुभूति होगी सुख की। ये उत्तरीय ऋषि परंपरा का उत्तरीय है, राजा लोग धारण करते हैं इसको। हमारे योजना के माननीय कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर देव प्रसाद सिंह का स्वागत करेंगे, त्रिविक्रम नारायण सिंह जी। त्रिविक्रम जी आइए, इसके बाद तैयार रहेंगे डॉक्टर राजीव रंजन जी। तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित, आचार्य देव प्रसाद जी के जीवन का सूत्र रहा है। इस अवस्था में भी अहर्निश उनके चिंतन का विषय इतिहास है, इतिहास संकलन है, इतिहास संकलन योजना है। आपका इस विश्वविद्यालय की ओर से हार्दिक स्वागत है। हमारे कुलाधिपति माननीय गोपाल नारायण सिंह जी का स्वागत करेंगे हमारे कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर देव प्रसाद सिंह जी। डॉक्टर देव प्रसाद जी, आप स्वागत करें गोपाल जी का। बड़े भाव के साथ दोनों एक ही धारा के मनीषी हैं, ये कहना मुश्किल है कौन किसका स्वागत कर रहा है। गणपति उनके हाथ में है, प्रोफेसर राजीव रंजन जी स्वागत कर रहे हैं। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में आप आचार्य हैं, इतिहास के गंभीर अध्येता हैं, और इस पूरे जो 3 दिन का अधिवेशन है, स्थानीय सचिव के नाते आपने इस दायित्व को संभाला है। आप स्वागत कर रहे हैं प्रोफेसर महेंद्र कुमार सिंह जी का, माननीय कुलपति जी का। आप दोनों का सानिध्य रहा है इस पूरे आयोजन में। इसके बाद भी आप सब की ओर से मैं यही कहूंगा मंच से कि दीजिए आशीष से अपना, भाव में है याचना, भाव में है याचना। विषय परिवर्तन के लिए डॉक्टर राजीव रंजन जी स्थानीय सचिव हैं, पूरे अधिवेशन का भार आपके कंधों पर रहा है।
संक्षिप्त में समय को देखते हुए 3 दिन की का अधिवेशन, राष्ट्रीय संगोष्ठी, स्वतंत्रता और प्रतिरोध अतीत से वर्तमान तक बड़ा फलक है, चिंतन का, अनुसंधान का और चिंतन विचार का प्रकाश डालेंगे प्रोफेसर राजीव रंजन। धन्यवाद सर। मंच पर आसीन परम पूजनीय माननीय श्री सुरेश सोनी जी, सदस्य राष्ट्रीय कार्यकारिणी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे, माननीय केंद्रीय मंत्री बाहरी उद्योग मंत्रालय भारत सरकार, प्रोफेसर देवी प्रसाद जी जो हमारे इतिहास संकलन के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, श्री गोपाल नारायण सिंह जी जो कुलाधिपति हैं इस महाविद्यालय, इस विश्वविद्यालय के, डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह जी कुलपति गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय जमुआर, और मंच संचालन कर रहे महासचिव प्रोफेसर ईश्वर चरण विश्वकर्मा जी, और मंच के नीचे उपस्थित पूरे देश भर से आए हुए इतिहासविद। बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि मैं आपको इस विषय पर, इस विषय की ओर ले जा रहा हूँ। दरअसल यह जो विषय है बहुत दिनों और बहुत अथक परिश्रम के बाद इस विषय का मंथन करके सामने लाया गया है। दरअसल भारत की परंपरा में स्वबोध जो है यह तत्व प्रारंभ से ही महत्वपूर्ण रहा है, और जब हम स्व की बात करते हैं, उसकी व्याख्या करते हैं, तो हमारी भाषा की बात करते हैं, हमारे राष्ट्र की बात करते हैं, हमारे धर्म की बात करते हैं, हमारी संस्कृति की बात करते हैं, हमारी सभ्यता की बात करते हैं, हमारे व्रत की बात करते हैं, हमारे उत्सव की बात करते हैं, हमारी नदियों की बात करते हैं, हमारे पर्वत की बात करते हैं, हमारे वन की बात करते हैं, हमारी देवी देवता की बात करते हैं, और इन सब में हमारा स्वतत्व जो है मौजूद है। इस स्व में ही हमारी अस्मिता छुपी हुई है। अपनी इस अस्मिता को बचाने के लिए, अपनी पहचान को बचाने के लिए, अब अपने स्व को जानना, समझना और जीवन में उतारना बहुत अनिवार्य हो गया है। भारतीय संस्कृति का विकास एक भौगोलिक क्षेत्र और परिस्थितियों की देन थी, जहां भारतीय भूभाग में एक नैतिक आचरण और व्यवहार की अनुभव मूलक परंपरा विद्यमान थी, जो एक संस्कार और आचार के साथ उत्तरोत्तर विकसित होती गई। भारतीय संस्कृति की आदि ग्रंथावली ऋग्वेद में ही इसका बृहत स्वरूप दिखाई देता है। जहां भारतीय संस्कृति की आदि ग्रंथावली ऋग्वेद में ही इसका बृहत स्वरूप दिखाई देता है, और यहां दस्यु शब्द आता है। ये दस्यु शब्द सचमुच में विदेशी आक्रांता नहीं थे, बल्कि संस्कृति और सदाचार के विरोधी गुणों को जो स्वीकार कर रहे थे, उनका संबंध संभवतः दस्युओं से रहा। यह संभवतः आंतरिक प्रतिरोध का पहला उदाहरण है। बाद के काल में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ कई विदेशी तरह के विदेशी आए, पारसी आए, यूनानी आए, शक आए, पहलव आए, कुषाण आए, हून आए, और इनका उद्देश्य भारत में राजनीतिक सत्ता हासिल करना रहा। परंतु भारतीयों के प्रतिरोध ने इनके राजनीतिक प्रभाव को लंबे समय तक नहीं रहने दिया, बल्कि उनका भारतीयकरण करके भारतीय संस्कृति का अंग बना लिया। इस प्रकार जहां अन्य सभी प्राचीन संस्कृतियां बाह्य आक्रमणों के प्रभाव में विलीन होती गईं, वहां भारतीयों ने सांस्कृतिक विराट वृक्ष की जड़ें कभी समाप्त नहीं होने दी, और समय और परिस्थिति के साथ पुनः मजबूती से खड़े होकर इन्हें अपने में ही विलीन कर लिया। 6वीं शताब्दी के प्रारंभ में राजा दाहिर द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिरोध स्वयं में स्वर्णमय इतिहास रहा है। मोहम्मद बिन कासिम और उसके उत्तराधिकारियों ने सिंध से पंजाब और अन्य क्षेत्रों में विस्तार करने का प्रयास किया, परंतु कन्नौज और कश्मीर के शासकों ने उनको वहां से खदेड़ कर भगा दिया।
उनका यह प्रयास सफल नहीं हो पाया। हम गुर्जर प्रतिहारों को देखते हैं, बप्पा रावल को देखते हैं, कई ऐसे लोग थे, कई ऐसे संस्थाएं थे जिन्होंने विदेशी जो आक्रमण था, जो अरब के आक्रमण थे, उनको भारत में कभी घुसने नहीं दिया, भारत में कभी उनकी जड़ों को जमाने नहीं दिया। लेकिन हजारों साल की प्रतंत्रता में हमारा स्व और हमारी स्वतंत्रता छिटक कर दूर चले गए। भारत इन विधर्मी प्रवृत्तियों और विचारों से संघर्ष करता रहा। यह संघर्ष भी स्थूल था और अमूर्त भी। राजा हार गए, उनकी सेना पराजित हो गई, भारत की आत्मा और उनकी संस्कृति ने कभी घुटने नहीं टेके। भारत में इस्लाम आंधी की तरह आया, किंतु भारत की आंतरिक शक्ति ने कभी उसको खड़ा होने नहीं दिया। भारत अपराजय चट्टान की तरह खड़ा रहा। कभी हमने सिर तो कटाया, लेकिन सिर को नहीं झुकने दिया। भारत का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं रहा जहां हमने संघर्ष नहीं किया, प्रतिरोध नहीं किया। तुर्कों और मुगलों के विरुद्ध सभी क्षेत्रीय शक्तियां जो थीं हमेशा खड़ी रहीं, चाहे वो गुहिलों की शक्तियां हो, सोलंकियों की हो, चौहानों की हो, राठौड़ों की हो, जाटों की हो, कदम कदम पर इन्होंने संघर्ष किया और अपने अस्तित्व को बचाए रखने का, भारत की संस्कृति को बचाए रखने का पूरा प्रयास किया। जब अंग्रेज भारत आए और दुनिया को ईसाईकरण करने का प्रयास करने लगे, तो वहाँ भी हमने इन संकटों का मुकाबला जोरदार ढंग से किया। और जब वे यहाँ आए तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने पूरी तरह से अपने आप को यहाँ तुरंत ही स्थापित कर लिया। हमारा प्रतिरोध हर जगह रहा। कई ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहाँ हमारा प्रतिरोध लगातार जारी रहा और हमने उन्हें कभी भी खड़ा होने नहीं दिया, कभी भी वे स्थिर से खड़ा होकर नहीं रह पाए। तो इस ढंग से हम यह देखते हैं कि भारतीय जो राष्ट्रीय स्वत्व है, उसके जागरण में हमारे क्रांतिकारी, हमारे गांधी जी, राष्ट्रीय नेताओं का बृहद योगदान रहा है, जिसको हम कहीं भी दरकिनार नहीं कर सकते हैं, किसी को अकेला नहीं कर सकते हैं। हम उतनी ही भूमिका अहिंसावादियों की थी जितनी भूमिका हमारे क्रांतिकारियों की थी। यानी सब को लेकर हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। और अब जब समय आया है कि अब हम इतिहास संकलन समिति के जो लोग हैं, इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ें और जो विभिन्न तत्व हमें मिले हैं उनकी पड़ताल करें, जो संघर्ष का इतिहास हमारा रहा है उसको फिर से रखें और देखें कि क्या इसमें छूट गया है। यह कौन से भारतीय तत्व थे जिनको हम लोग विकास करें, जिसमें हम आगे बढ़ें और इतिहास संकलन को उसमें हम गति प्रदान करवाने का काम करें, यह हमारा देखने का काम है। अब जिस तंत्र में हम रहे हैं उसको देशी तंत्र के अनुसार यानी देशज तंत्र के अनुसार विकसित करने की आवश्यकता है। इतिहास के विद्यार्थी और अध्येता भारतीय इतिहास में अतीत से वर्तमान तक स्वतंत्रता और प्रतिरोध के इतिहास का उद्घाटन इस कार्य को एक कदम आगे की ओर ले जा सकता है। इस महाधिवेशन का एक हेतु भी यह है। आज विश्व में यह आवश्यक हो गया है कि हम अपने स्व को जागृत करें, परिवर्तित करें, प्रतिष्ठित करें, अपने राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने और श्रेष्ठता के उच्चतम शिखर तक पहुँचाने के लिए स्व का बोध और उसका जागरण करना आवश्यक है। और हम सभी इस संकल्प के तहत आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। धन्यवाद। ये स्व का जागरण है। पूरे वर्ष भर अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना सारी प्रांतीय इकाइयों ने देश भर में जागरण कार्य किया है, तथ्यात्मक लेखन किया है। प्रतिवर्ष जब भी कोई राष्ट्रीय संगोष्ठी होती है और तीसरे वर्ष जब हमारा राष्ट्रीय महाधिवेशन होता है, तो देश भर के हमारे अपने कार्यकर्ता बंधु जिन्होंने लेखन कार्य किया है, उन सब की इच्छा रहती है कि उनकी कृतियाँ, कृतियों का संस्पर्श हमारे मंच के मनीषी अवश्य करें, उनके हाथों में जाए, लोकार्पित हो।
बहुत कम समय लेकर के मैं आवाज़ दे रहा हूँ। हमारे मंच के पास में आ जाएंगे सब लोग और केवल अत्यंत संक्षिप्त में केवल पुस्तक लेकर के वहाँ खड़े हो जाएंगे जब आपका की पुस्तक का लोकार्पण होगा और उसके बाद अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे। सबसे पहले डॉक्टर हेमंत सिंह मजुमदार मंच पर आए, डॉक्टर बालमुकुंद जी हमारे राष्ट्रसंघ सचिव मंच पर आए, डॉक्टर शरद हेबालकर की पुस्तक का भी लोकार्पण होना है, बालमुकुंद जी देख लेंगे इसको, डॉक्टर शत्रुजीत सिंह जी आ जाएं, डॉक्टर शुभम मेवलिया जी आ जाएं, सुरेशचंद शर्मा जी आ जाएं, अभिनव तिवारी जी आ जाएं, मानी सुबेदार जी आ जाएं, डॉक्टर मिथिलेश कुमार सिंह जी आ जाएं। यहाँ आई किताब का ले आई। सबसे पहले INA पर शरद जी की पुस्तक का ट्रांसलेशन महावीर जी ने किया था। हाँ हाँ तो वही वो आप देखेंगे ना, अब महावीर जी आ गए हैं। हाँ ठीक ठीक, नहीं बोलना नहीं है उसमें, कुछ बोलना नहीं है। हाँ सबसे पहले डॉक्टर हेमंत सिंह मजुमदार से अनुरोध है, ये INA हेरिटेज यात्रा माननीय सोनी जी के अतिथियों के हाथों में समर्पित करें। जय ये नहीं है, ये वाली है। इसके बाद डॉक्टर बालमुकुंद जी से अनुरोध है, डॉक्टर बालमुकुंद जी, डॉक्टर महावीर प्रसाद जैन जी जो हमारे लेखक प्रमुख रहे हैं, उन्होंने किंवदंतो विश्व मार्यम का बहुत दूरता के साथ परिश्रम के साथ अनुवाद किया है, एक बड़े कवर के साथ बड़े कलेवर के साथ पुस्तक आई है। किंवदंतो विश्व मार्यम, देश के ऐसे पाठक दुनिया के ऐसे पाठक जो अनुकूल भाषा में चाहते थे प्रकाशित हो गई है। अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना की एक लंबी यात्रा है, 1991 के बाद से लगातार अधिवेशन चल रहे हैं। मैं डॉक्टर बालमुकुंद से अनुरोध करता हूं कि को एक चित्रावली है, ये संस्मरण है, आप देख रहे थे इस पूरे कवर पर आ रही थी, इसका सॉफ्ट कॉपी भी है। यह भी एक इतिहास है कि कैसे योजना ने अपनी यात्रा यहाँ तक बढ़ाई है, पूरी चित्रावली है उन लोगों की, उन तपस्वियों की जिन्होंने योगदान दे करके इसको आगे बढ़ाया था। डॉक्टर शत्रुजीत सिंह युवा अध्येता हैं दिल्ली प्रांत के, भारतीय सनातन परंपरा में रुद्र शिव, आज सोमवार भी है, शिव का दिन भी है, इसके बाद शुभम केवलिया जी पुस्तक तैयार रहेगी, कलिंग एवं द्रविण स्थापत्य पर, अभी भारतीय सनातन परंपरा में रुद्र शिव का लोकार्पण हो रहा है। एक युवा अध्येता ने शिव को की साधना की है, यह पुस्तक उसका एक स्वरूप है, एक प्रतिमान है। शुभम केवलिया जी की पुस्तक कलिंग एवं द्रविण स्थापत्य कला पर है, इतिहास संकलन समिति मालवा प्रांत के हमारे कार्यकर्ता हैं। वास्तुकला मूर्तिकला का बड़ा फलक है मालवा में, उसको पुस्तक दर्शाती है। मिरठ प्रांत के हमारे कार्यकर्ता हैं सुरचंद शर्मा जी, संभल नगर का प्राचीन इतिहास,
सुरेशचंद्र शर्मा जी की। इसके बाद डॉक्टर अभिनव तिवारी मंच पर आ जाएं, उनकी पुस्तक है मंदिर स्थापत्य की बल्भी शैली उत्पत्ति और विकास। मेरठ प्रांत ने भी कई प्रकाशन किए हैं, पत्रिका भी निकाली है, और यह कार्यकर्ताओं ने परिश्रम करके ऐसी अनेक कृतियां दी हैं। डॉक्टर अभिनव तिवारी उत्तराखंड से हैं, हमारे संगठन मंत्री हैं। इतिहास की प्रेरणा लेकर के उन्होंने मंदिर स्थापत्य की बल्भी शैली पर काम किया है। मिथिलेश कुमार सिंह जी की पुस्तक है अंबेडकर, इस्लाम और वामपंथ। ये एक नई तुलनात्मक चिंतन दृष्टि इसमें आई है। मिथिलेश जी की स्कृति से बहुत सारे भ्रम दूर हो जाएंगे आप जब इसका पारायण करेंगे। हमारे धर्म जागरण के प्रमुख इतिहास संकल्प योजना के शुभेच्छु पूर्णकालिक प्रचारक माननीय सुबेदार जी, दीर्घतमा एक कृति है उनकी है सामाजिक सांस्कृतिक चिंतन। इस पुस्तक के बहाने उन्होंने उस परंपरा को स्पर्श किया है, उस धारा को छूने का प्रयत्न किया है। अपनी ओर से, आप सब की ओर से, अपने सभी इतिहासकारों लेखकों को ढेर सारी बधाइयाँ, मंच की ओर से आशीर्वाद कि यह लेखनी चलती रहे चलती रहे चलती रहे। हाँ, मेरठ प्रांत की वो नहीं आई। अच्छा, वही है। हाँ ठीक, इस अधिवेशन की स्मारिका भी प्रकाशित हुई है। अच्छा, इसमें आप सबके लेखों के सारांश हैं, अब्स्ट्रैक्ट हैं। यह भी एक स्मृति है, पूरा लेख तो आपका प्रोसीडिंग में छपेगा। हमारे इस सभागार में हिमाचल केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के माननीय कुलपति भी बैठे हैं, डॉक्टर सतप्रकाश बंसल जी, योजना के शुरू से ही कार्यकर्ता रहे हैं। आप सब की ओर से इन सारे कार्यक्रमों को समेटते हुए अपने अतिथियों के सानिध्य के लिए, उनके आशीर्वचन के लिए मैं अनुरोध करता हूँ, सबसे पहले आदरणीय डॉक्टर महेंद्र पांडे जी को आप सबके बीच में अपने अंतस से एक ऐसा भाव व्यक्त करेंगे जो हम सब के लिए प्रेरणास्पद होगा। आदरणीय डॉक्टर महेंद्र पांडे जी, आज हम सबके अत्यंत वरिष्ठ आदरणीय बिहार और देश के वरिष्ठ राजनेता श्रीमान गोपाल नारायण सिंह की सरजना इस श्री गोपाल नारायण सिंह
विश्वविद्यालय के माननीय श्री सुरेश सोनी जी के हाथों सद्य उद्घाटित और इस विशाल ऑडिटोरियम के अंदर आयोजित इतिहास अनुसंधान परिषद, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एवं इतिहास संकलन योजना के संयुक्त तत्वावधान में इतिहास संकलन योजना के इस 12वें महाधिवेशन के मौके पर हम सबके अत्यंत आदरणीय ऋषि तुल्य, हम सबके विचार परिवार के पुरोधा माननीय श्री सुरेश सोनी जी मंच पर उपस्थित इतिहास अनुसंधान से जुड़े और इतिहास संकलन योजना के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, हमारे विद्यार्थी जीवन के वरिष्ठ डॉक्टर देवी प्रसाद सिंह जी, हमारे पुनः मैं नाम उल्लेख कर रहा हूँ आदरणीय हमारे बड़े भाई सदृश कुलाधिपति गोपाल नारायण विश्वविद्यालय श्रीमान गोपाल नारायण सिंह जी और हिंदू विश्वविद्यालय से हम सब आपस में जो जुड़े रहे हैं, ऐसे यहाँ के कुलपति डॉक्टर महेंद्र कुमार सिंह जी और इसका बहुत ही कौशल्य के साथ विद्वतापूर्ण संचालन कर रहे प्रोफेसर ईश्वर शरण विश्वकर्मा जी, हमारा उनका भी बड़ा सानिध्य है, हम लोग एक ही मोहल्ले के हैं, और यहाँ उपस्थित हमारे आदरणीय माननीय सूबेदार जी माननीय बालमुकुंद जी, इस अंचल के माननीय प्रांत प्रचारक जी, विचार परिवार के अन्य अधिकारीगण और इतिहास संकलन योजना से जुड़े अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीगण यहाँ पधारे, अनेक गणमान्य कुलपति देश के कोने कोने से आए इतिहासविद, आप सभी को मीडिया के आदरणीय बंधुओं सहित सभी देवी एवं सज्जनों को मैं आदरपूर्वक नमस्कार करता हूँ, सबका अभिवादन करता हूँ। हम सब, मैं भी इस आकर्षण से यहाँ खींचा चला आया हूँ कि माननीय सुरेश सोनी जी का हम सबको पाथेय मिलेगा और उनके जो तब्बल से जो उन्होंने संगठन में खासकर इतिहास संकलन से जुड़े विषयों के मार्गदर्शक भी हैं, देश के विभिन्न विषयों के हम सबके मार्गदर्शक हैं, हम सब विद्यार्थी जीवन से उनके प्रेरक उद्बोधनों से बहुत कुछ सीखते हैं, उनका मार्गदर्शन मिलेगा, उनका पाथेय मिलेगा, इस आकर्षण में मैं भी जुड़ा हूँ। दायित्व के तहत मैं कुछ शब्द आग्रह करूँगा, विषय बड़ा महत्वपूर्ण है और एक बड़ी पवित्र भूमि वीर कुंवर सिंह की, वीर निशान सिंह जी की और ये शाहबाद जो परिक्षेत्र है और इसमें जिस तरह से इतिहास संकलन योजना के अंतर्गत सद्य यहाँ कुछ आसपास खोजें की गई हैं, सभी बहुत ही स्तुत्य और सभी बहुत ही प्रशंसनीय है। मैं एक बात का और उल्लेख करना उचित समझूंगा कि विभाषण विभीषिका दिवस जब श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के और विश्व के यशस्वी हमारे सम्मानित नेता ने जब यह विषय लाया तो कुछ लोगों को लगा कि अब उसको याद करने की क्या ज़रूरत है, अरे उसे याद करके ही तो दर्द होगा, उस दर्द से ही तो नए उसके प्रतिकार के विषय उठेंगे, इस नाते वो लाए हो तो उसका भी एक प्रदर्शनी और जनजातियों सहित देश के अंदर तमाम संघर्षों के प्रतीक उन सब महा संघर्षशील हमारे महाराजाओं का, महारानियों का, सबका, जनजातियों से जुड़े अग्रणी सबके प्रदर्शनी को भी आपने इस अवसर पर शुभारंभ किया, ये सब चीज़ें और ये संपूर्ण परिसर निश्चित तौर से इतिहास संकलन योजना के 12वें महाधिवेशन पर जिसने इस देश में अपने
मैं जहाँ तक स्मरण कर पा रहा हूँ, हमारे पूज्य माननीय मोरोपंत पिंगले जी और उन सबके प्रेरक पहलों से जो ये इतिहास शुरू हुआ, यह विषय शुरू हुआ, ये संगठन की ये प्रकल्प शुरू हुआ अपने विचार परिवार का, जिसने देश में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन लाए, आगे भी परिवर्तनकारी बनेगा ऐसा मेरा विश्वास है। इस बार हमें महाधिवेशन के मौके पर आपने जो विषय स्व स्वतंत्रता और प्रतिरोध वर्तमान से अतीत तक का रखा है, यह विषय निश्चित तौर से लोगों को झंकृत करने वाला है और निश्चित तौर से किसी राष्ट्र का स्व, क्योंकि बोलने में थोड़ा संकोच हो रहा है, माननीय सोनी जी के सामने हम सब कार्यकर्ता बोलने में बहुत संकोच का अनुभव करते हैं कि किसी विषय के पर अधिकृत चीज़ें रखने में, लेकिन उनके आशीर्वाद से उस संकोच में से ही कुछ दो चार शब्द आग्रह रखूँगा। स्व अपने आप में किसी राष्ट्र का, किसी सोसाइटी का, किसी समाज की अंतः चेतना का प्रतिबिंब होता है और निश्चित तौर से जब देश आज़ाद हुआ तो योगीराज श्री श्री अरविंद ने, महर्षि अरविंद ने उसी समय कहा, जिस बात का उल्लेख अभी राजीव रंजन जी जब स्थापना कर रहे थे, गोपाल नारायण जी, इन दोनों का बड़ा ही सारगर्भित वक्तव्य मिला, तो दीनदयाल जी का उल्लेख उन्होंने जब किया उसी बात को उन्होंने आगे बढ़ाया कि भारत भौगोलिक रूप से स्वतंत्र हुआ है। अरविंद जी को भी वो दर्द था, वो दर्द हम सबको भी है, उसी दर्द का भाव है विभाजन विविधता को याद करना कि खंडित रूप में उस समय के अग्रणी लोगों की सत्ता की सद्य तत्काल प्राप्ति की लालसा ने जो खंडित रूप से देश को ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई, लेकिन तब भी महर्षि अरविंद ने कहा कि भारत इस जो सांध्यकालीन उनके संबोधन होते हैं प्रसंग आता है कि उन्होंने कहा भारत भौगोलिक रूप से स्वतंत्र हुआ है, लेकिन सांस्कृतिक रूप से स्वतंत्र होने में अभी 50 साल 70 साल लगेंगे और महापुरुष आएगा, वो महापुरुष अपने इसी विचार परिवार की श्रृंखला में से निकल के आपके बीच में उपस्थित होकर के देश के अंदर रोशनी बिखेर रहे हैं, आप सब इसको महसूस कर रहे हैं। आज इस मौके पर मैं निश्चित तौर से, मैं इंटरमीडिएट में मैं पढ़ता था जिस एंग्लो बंगाली कॉलेज का हमारे आदरणीय विश्वकर्मा जी ने उल्लेख किया, सीएम एंग्लो बंगाली कॉलेज का, तो मेरे विषयों में से एक विषय इतिहास नागरिक शास्त्र भी था। उसी समय मेरे मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती थी कि अपने प्रोफेसर अध्यापक महोदय से पूछता था कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि यूनान से चला सिकंदर, जब उस समय जो भी विद्यार्थी बुद्धि थी विश्व विजय करने चला था, जब वो महापुरुष को महाराज पुरु को हराया तो लौटा क्यों भाई, हमारे समझ में इसका समाधान नहीं निकलता। मैं उस समय ये पूछता था, लेकिन जब बाद में जीवन के क्रम में अध्ययन और सब चीज़ों को अनेक लेख व्याख्यान अनेक जैसे यहाँ शोधपरक पुस्तकों का विमोचन हुआ, उन्हें भी आदरणीय विद्वजनों को बधाई देता हूँ, निश्चित तौर से इतिहास के अध्येताओं को, देश के लोगों को भारतीय इतिहास को जानने में उनके शोधपरक प्रबंध जो आज यहाँ विमोचित हुए बहुत ही सहायक होंगे, मैं उन्हें बधाई देता हूँ। तो ये सब प्रश्न उभरते थे। ऐसे मैं जैसे अपने मेरे गृह जनपद मेरा गाजीपुर है, वहाँ स्कंदगुप्त का सैत्र भितरी में शिलालेख मिलता है और जिन लोगों को भारत में तमाम जो कुषाण का लोग जो शक लोग आए सबको आत्मसात किया भारत की संस्कृति सभ्यता ने, एक उसी समय बर्बर जाति आई थी हूण। अब हूण को कुमारगुप्त के पुत्र समुद्रगुप्त ने, स्कंदगुप्त ने पराजित किया, इसी गंगा के बलिया गाजीपुर भूमि में इतिहास का एक बड़ा पक्ष है, लेकिन इतिहासकारों ने जिन लोगों ने जिनकी दृष्टि रही जो उनकी दृष्टि थी उन्होंने उस दृष्टि से ऐसे महापुरुषों के इतिहास के उन पक्षों को तिरोहित किया। आज इन सब विषयों पर आप सब अनेक शोधपूर्वक काम कर रहे हैं, उसी क्रम में अपने 12वें महाधिवेशन में 3 दिवस आप सब चिंतन करेंगे। मैं उन सब विषयों पर भी अनुरोध करूंगा कि ये जितने तिरोहित हुए उपेक्षित विषय हुए और किसी न किसी एक दृष्टि से सच में देश का कुछ लोगों ने बड़ा नुकसान किया, किसी राष्ट्र और वो भी राष्ट्र आज़ाद हो और आज़ाद होने के 60-70 सालों तक एक ऐसी दृष्टि चले, धर्म सर्वधर्म संभाव की हम सब के विचार दृष्टि है, धर्म निरपेक्षता का ऐसा जाप सुबह शाम होता रहे
कि उस जाप में, उस भाव में सारे भारत के वीर महापुरुषों के इतिहास को तिरोहित कर दिया जाए। अब जैसे आज अभी आप सब देख रहे होंगे, विशेष रूप से माननीय नरेंद्र मोदी जी की पहल पर ये जो स्वराज दूरदर्शन पर आज आ रहा है हर रविवार को, आज़ादी अमृत काल में 75वें अमृत काल वर्ष में, उसमें जो चीज़ें उभर रही हैं जिन महापुरुषों का, मैं उस सब में बहुत चूँकि कार्यक्रम में देख रहा हूँ, समय अवधि से थोड़ा सा अधिक चल रहा है, तो मैं अपने को समेटते हुए उस सब में पूरे अहोम राज्य को जिस लोचित फुकन ने, उस वीर सेनापति ने बचाया, मुगल को वहाँ स्थापित नहीं होने दिया, और केवल अहोम को नहीं बचाया, उसकी उस वीरता के कारण संपूर्ण दक्षिण एशिया आक्रांताओं से बची रही, और उसको भारतीय इतिहास में वो जगह नहीं मिली। आज आपका इतिहास संकलन योजना इतिहास आज के परिप्रेक्ष्य में अटल जी के बाद नरेंद्र मोदी युग में विचार परिवार के मार्गदर्शन से सृजित जो यह स्वरूप खड़ा हुआ है उसमें वो सारे तथ्य उजागर हो रहे हैं, और निश्चित तौर से उसमें आपका योगदान भी है, आपकी दृष्टि भी है, और आपकी दृष्टि निरंतर बनी हुई है आज के और बनी रहे। इसी परिकल्पना से मैं आप सबके बीच में यहाँ पर, अब हमारी जो मान्यताएँ हैं पाश्चात्य मान्यताओं में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। अब इतिहास संकलन समिति के सामने विचार निश्चित तौर से विचारण होगा। भारतीय शास्त्रों में ऋग्वेद की ऋचाओं से आज की चर्चाएं शुरू हुई हैं। भारतीय शास्त्रों में काल विभाजन विश्व पुराण में मिलता है, और विश्व पुराण में हम युग के अनुसार चल रहे हैं। हम युगाद कल्पी में जिसका उल्लेख भी यहाँ पर तिथियों का यहाँ किया गया है, तो हमारे यहाँ सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग की परिकल्पना होती है, और पाश्चात्य का चिंतन जो चिंतन कहीं ना कहीं चर्च से प्रभावित रहा है, उसने 4 से 6 हजार वर्ष ही वो सृष्टि के सृजन की आयु मानते, उससे अधिक वो मानते ही नहीं है, जबकि आज यूरोपीय विद्वानों ने उनके इस चीज़ों को खंडित किया है, और खंडित जितना किया हो, दब के किया हो, भारत के अंदर भेंट द्वारिका और राम सेतु तो सीधे प्रत्यक्ष उसको खंडित करते हैं कि चर्चा ने ये करोड़ों वर्ष की संख्या, और वैज्ञानिकों ने भी इसको खंडित किया। तो आज इस सब चीज़ों के बीच ये विचार करने का जो हम सबका चिंतन मनन का ये जो त्रिदिवसीय सत्र है, इसमें मैं एक जरूर अनुरोध करना चाहूँगा इतिहास के विदों से कि हम जब भी जो अनुसंधान करें, जो तथ्य लाएं, उसे जब वैज्ञानिकों और मान्यता दोनों की कसौटियों पर ठीक से, मान्यता के साथ साथ वैज्ञानिक तथ्यपूर्ण कसौटियों पर कसेंगे, तो जो हमारे देश के संग छल हुआ, भारतीय इतिहास के संग, उसका तर्कपूर्ण समाधान करेंगे और तथ्यपूर्ण प्रत्युत्तर देंगे, तो वह जो स्थापित होगा सदियों सदियों तक, वो सत्य उद्घाटित आप करेंगे, वह स्थापित होगा। इसका आग्रह करते हुए आज के इस अवसर पर मैं निश्चित तौर से ये जो स्व का जागरण है, उस स्व के जागरण के अवसर पर आप सबके बीच में मैं ये कहने से अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ, हम सब चूँकि अखिल संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता के रूप में, फिर आगे जब ये इतिहास संकलन समिति है उसके विचारों से निकले हुए श्री राम जन्मभूमि मुक्ति समिति, ये सब प्रसंग जब चले, तो हम लोग विद्यार्थी थे, प्रारंभ की बैठकों में सब में कहीं ना कहीं जिज्ञासा भाव से भाग लेते थे। आज उन सब चीज़ों को देखा जाए तो कितना बड़ा स्व का जागरण हुआ। एक तरफ इस पक्ष को देखा जाए कि उस स्व के जागरण के परिणाम स्वरूप आज मैं स्मरण करता हूँ कि हमारे आदरणीय मोरोपंत पिंगले जी, सिंगल जी, इन लोगों ने एक से एक जो उपक्रम किए, और उस रचना में और उसमें अहम रोल रहा है, छोटा मोटा रोल रहे, भारत के वर्तमान संदर्भ को बदलने में, विचार परिवार के विचारों से निकला ये इतिहास को सही तथ्यों में रखने का विषय इतना बड़ा परिवर्तन, युगांतर परिवर्तन इस देश में लाया है। उस परिवर्तन का प्रसंग ही है कि आज भव्य श्री राम मंदिर निर्माण की प्रक्रिया पूर्णता की तरफ बढ़ रही है।
ये उसका परिणाम है। अनेक लोगों का त्याग बलिदान संघर्ष को वो उचित सम्मान मिला। आज आपके उस स्व की चेतना का एक विशाल प्रगटीकरण है कि लोकतांत्रिक देश में चुनी हुई सरकारों में जहां होड़ लगी रहती थी कि कैसे हम एक मिथ्या विचार की, चाहे राजभवन हो, चाहे संसद हो, चाहे शासकीय केंद्र हो, उनकी आराधना, उनकी वंदना, उनको ही संतुष्ट करने में, जिसको एक शब्द दिया गया है तुष्टिकरण, मैं उसकी बहुत विशद व्याख्या में नहीं जाऊंगा, उसी में समय व्यतीत होता था। आज उसी लोकतांत्रिक निर्वाचित देश में ये जो हमारे सब ऋषितुल्य लोगों ने जो आशीर्वचन दिया, जो प्रेरणाएं दी, उसका प्रगटीकरण है कि लोकतांत्रिक देश में चुने हुए शासन सत्ता व्यवस्था के द्वारा पूरे गर्व से गुरु नानक जी का कॉरिडोर भी बन रहा है, केदारेश्वर का पुनरुद्धार भी हो रहा है, विश्वनाथ धाम का निर्माण भी हो रहा है, और महमूद बेंगड़ा की मजार को हटा करके पावागढ़ की माँ कालिका का ध्वजारोहण भी हो रहा है। और मैंने भव्य राम मंदिर का उल्लेख किया हुआ कुछ ही कालखंड में आपके आंखों के सामने, तो ये सब उसी स्व का, और उस स्व में स्वतंत्रता के बीच जो जो बाधाएं आई उसके प्रतिरोध लगातार जो चलते रहे उसका प्रतिफल है। इस दिशा में हम सबको इसी भाव से भारत के अंदर, क्योंकि रोटी कपड़ा मकान और दैनिक जीवन की ज़रूरतों के बाद ये भारत ही दुनिया को सिखाता है कि नहीं, विचार, संस्कार, मनोभाव भी जीवन का महान पक्ष है, और ये जीवन के जीने के महान पक्ष के लिए भारत के ही लोगों द्वारा, इस भारत में अनेक ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, अनेक ऐसे उदाहरण हैं, मैं ज़्यादा समय न लेके, जब राजा सत्ता भोग विलास लड़ते अपने सुख के विविध विविध आयामों के भोग में विखंडित हो गए, कहीं न कहीं अपने शक्तियां छीन कर गए, तब इस देश के अंदर चाहे दक्षिण में कम्मन की रामायण हो, चाहे उत्तर में तुलसी की रामायण हो, या सूर के वध हो, भक्ति गाने वाले कबीर के दोहे हो, उन्होंने ही हमारी संस्कृति सभ्यता को बनाया। यह भी एक प्रकार का उस गलत विचारों के विरुद्ध प्रतिरोध और संघर्ष ही रहा है। यह क्रम निश्चित तौर से जारी रहा है, वह क्रम आज भी आप सबके द्वारा इस अधिवेशन के अनेक प्रसंगों से जारी है। आज के इस मौके पर मैं आप सबके बीच में और कुछ निवेदन करने के साथ मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये जो आज संघर्ष का जो नया कई न कई पक्ष हमारे यह जो महानायकों के उल्लेख को किया है, जनजातियों के संघर्ष को इस देश में, उसको उनको कहीं ना कहीं कोई महत्व नहीं मिला, उसे भी आप उद्घाटित कर रहे हैं, यहाँ भी आपने प्रदर्शनी के माध्यम से, तो ये क्रम लगातार निश्चित तौर से जारी रहना चाहिए। मेरा ऐसा विश्वास है कि हमने विद्यार्थी जीवन से अब तक जो सीखा है, जो अनुभव किया है, वो ऐसा नहीं कि मैं तो एक छोटा सा कर्ण मात्र एक कार्यकर्ता हूँ, लेकिन मैं जो महसूस करता हूँ कि आप सब विद्वज्जन जो चिंतन मंथन के उपरांत अपने उस निकष पर, अपनी कसौटी पर तमाम जो मंथन चिंतन से जो तत्व निकालते हैं, वह तत्व सात्विक भाव से जब निकलता है तो निश्चित तौर से, चाहे वो सेवा की सत्ता हो, ये राज व्यवस्था की सत्ता हो, उसको दिशा बोध कराने में सबसे सहायक होता है। और यह बड़ा उचित कालखंड है, देश के बहुत बड़े परिक्षेत्र में आज आपके विचारों को देश बड़े अच्छे भाव से स्वीकार कर रहा है। यह देश आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है कि इस देश में ईमानदारी से सेवा भी हो रही है, जो भौतिक अवस्थापना विकास है वह भी हो रहा है, और जिन बातों का मन में एक कसक रहती थी कि काश हमारे देश में ऐसे लोगों का सम्मान होता, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का गौरवगान होता, वह भी शान से हो रहा है। और निश्चित तौर से इस शान में आपका यह 12वां महाधिवेशन, जब जो निष्कर्ष अपने चिंतन मनन से आप निकालेंगे, मैं एक नज़र देख रहा था जो पुस्तकें विमोचित हुई, निश्चित तौर से लोगों ने बड़ा गहन अध्ययन किया है, निश्चित तौर से ये जो सातत्य है और जिसकी परिकल्पना हम सब
ऋषि तुल्य जो माननीय सोनी जी ऐसे हमारे अन्य आदरणीय इन लोगों के मार्गदर्शन में जो परिकल्पना लेके हम सब चल रहे हैं, जहां लोग मात्र इतने ही चिंतन में अपनी सीमाएं समझते थे कि एक चुनाव हुआ उसे जीत लिया, उसके बाद कुछ वायदे किए उसे पूरा किया, उसके बाद हम हमारा हमारा परिवार का, फिर उस परिवार के आने आने पीढ़ियों का चिंतन हुआ, जहाँ इतनी ही दृष्टि थी वहाँ आप सबके मंथन और चिंतन से और सैकड़ों वर्ष की इस राष्ट्र की तपस्या में रत हमारे संगठन के विचार की इस लंबी यात्रा से जो मंथन निकला है वो देश के लाल किले से आप सब विद्वत जनों के पीछे कहने से अपने को रोक नहीं पा रहा हूँ कि वह लाल किले से हम रहें न रहें, जो हमारी कल्पना है ना कि हम दिन चार रह रहे हैं तेरे वैभव अमर रहे माँ हम दिन चार रह न रहे, ये जो परिकल्पना है वो परिकल्पना लाल किले से बोलती है कि हम रहे न रहे 2047 जब 100वां वर्ष मनाया जाए तो भारत दुनिया का सबसे विकसित परम वैभव का राष्ट्र रहे। उस परिकल्पना के लिए जो विचार प्रेरणा, जो विचार का एक ऊर्जावान भाव चाहिए, उस भाव के लिए आपका ये 12वां महाधिवेशन संपन्नता के बाद निश्चित तौर से हम सबको माननीय सोनी जी के ऋषि वचनों के साथ पाथे प्रदान करेगा। इस विश्वास से आपके इस इतिहास संकलन योजना के इस महाधिवेशन के लिए अपना आदर अपनी शुभेच्छा व्यक्त करता हूँ। सबको आदरपूर्वक नमस्कार। इस महाधिवेशन को, ये 12वां महाधिवेशन है, द्वादशादित्य का ध्यान आता है कि हमारे ऋषितुल्य मनीषियों के आशीर्वचनों से आपकी सफलता की कामना हुई है। आप सबकी ओर से, अपनी ओर से आदरणीय डॉक्टर महेंद्रनाथ जी को मैं प्रत्याभार व्यक्त करता हूँ, उनके साथ वचन के लिए, उनके इस प्रबोधन के लिए, उद्बोधन के लिए। मित्रों, यह अमृतकाल है, आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया आपने, अमृतकाल में चल रहे हैं। ये अमृतकाल ही तो है जो हमें याद दिलाता है वीर बाल दिवस का, 6 वर्ष के 8 वर्ष के बच्चे फतेह सिंह जोरावर सिंह 1704 में सरहिंद की दीवार में चुनमा दिए गए थे। ये अमृतकाल उन सबको याद करेगा, उन सबको नमन करेगा, पूरी भारतीय ऋषि परंपरा को नमन करेगा, ऐसे सारे फलक पर काम करने के लिए हमारी दिशा क्या हो। शायद ही कोई ऐसा अधिवेशन रहा है जहां माननीय सोनी जी का पाथे नहीं मिला है। प्रत्येक महाधिवेशन में उनका पाथे मिलता रहा है। इस 12वें महाधिवेशन में आप सब की ओर से, अपनी ओर से माननीय सोनी जी से प्रार्थना करता हूँ कि हमें अपना आशीष दें, हमें अपना आशीष दें। इतिहास संकलन योजना के इस द्वादश अधिवेशन में इस उद्घाटन के अवसर पर मंच पर उपस्थित भारत सरकार के भारी उद्योग मंत्री महेंद्रनाथ जी, इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति गोपाल नारायण जी, कुलपति महेंद्र जी, योजना के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर देवी प्रसाद जी, महासचिव ईश्वर जी,
अन्य गणमान्य नागरिक और देश के कोने कोने से पधारे हुए, योजना से जुड़े हुए सभी विद्वत बहनों तथा भाइयों, वैसे भी समय काफ़ी हो गया है और जो विषय है तो मैं समझता हूँ कि उसकी जो आत्मा है, उसके अभिव्यक्ति के जो चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, जो होना चाहिए, तो मेरे पूर्व राजीव रंजन जी, गोपाल जी और अभी अभी महेंद्र जी ने जो बातें रखी हैं, उसके बाद और कुछ ज़्यादा कहने की आवश्यकता शेष नहीं रहती है। एक तो ठीक है कि ये विषय जो चुना है वो प्रासंगिक है, क्योंकि जैसे कहा कि अभी ब्रिटिशों से स्वाधीनता के 75 वर्ष देश मना रहा है, और दूसरी ओर जैसा कहा कि आने वाले 2047 के अंदर का भारत कैसा हो, तो वह विश्वगुरु भारत उसके स्वप्न और उन स्वप्नों को साकार करने की दृष्टि से तैयारी, इसकी भी चर्चा देश में चल रही है। और ऐसे प्रसंग पर ये जो विषय लिया है, स्व स्वतंत्रता और प्रतिरोध अतीत से वर्तमान तक, भारत का स्व क्या है और अतीत कहाँ से चालू होता है, तो खोजना कठिन है। बाणशास्त्री हरदास ने वेदांतिल राष्ट्र दर्शन लिखा तो उसमें उन्होंने उल्लेख किया कि हिमालय की चोटी के ऊपर खड़े होकर के इस देश के व्यक्ति ने दुनिया में चारों तरफ अपनी दृष्टि को घुमाते हुए कोशिश की कि क्या इस दुनिया के अंदर मेरा भी कोई बड़ा भाई है क्या, और उसको उसमें असफलता मिली। और इसीलिए कहते हैं कि इतिहास के उषक काल के अंदर संस्कृति का उद्भव इस देश की धरा पर हुआ, और इसलिए वैदिक ऋषि ने इसकी उद्घोषणा की वैदिक ऋचा में, जब वो कहता है यहाँ की संस्कृति के बारे में कि सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा, ये प्रथम संस्कृति है जो ये सरस्वती सरस्वती के किनारों पर जो संस्कृति की अग्नि प्रज्वलित हुई, उसकी यात्रा विस्तार की ओर प्रारंभ होती है। और शतपथ ब्राह्मण में वर्णन आता है जब वो कहते हैं कि माधव विदेत अग्नि चलती है, माधव विदेत पीछे चलते हैं, और यहीं बिहार में सदा नीरा तक उसका प्रभाव दिखाई देता है। यात्रा फिर और आगे बढ़ती है और चारों दिशाओं के अंदर बढ़ने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है,
अगस्त ऋषि अलंग बिंद को पार कर दक्षिण में जाते हैं और सारा वो समुद्र से घिरा हुआ क्षेत्र इस संस्कृति के प्रवाह में आता है, जिसका पौराणिक आख्यानों के अंदर तीन अंजुल में समुद्र को अगस्त ने पिया इस रूप में रूपक के रूप में वर्णन हम सुनते हैं। और ये यात्रा पहाड़ों को, रेगिस्तानों को, समुद्रों को पार करते हुए और संपूर्ण विश्व की ओर बढ़ती है, और इसलिए ऋषि भारत के जीवन लक्ष्य की घोषणा करता है, कर्णवंतो विश्वमार्यम। तो हमारा अतीत क्या था, इसका जब हम चिंतन करते हैं तो हमारा स्व, हमारी संस्कृति, वो हमारे वैश्विक जीवन मूल्य, इसको हमारे लोगों ने अपने तप से, अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से, अपने जीवंत आचरणों से विश्व के कोने कोने में पहुंचाया। लेकिन काल के प्रवाह में कोई चीज स्थिर नहीं रहती है, और इस नाते से सभ्यताओं के संघर्ष भी हुए, उतार चढ़ाव भी आए, लेकिन एक ही यह ऐसी संस्कृति और सभ्यता रही जिसके प्रभाव की व्याप्ति का क्षेत्र कभी व्यापक रहा होगा, कभी थोड़ा सीमित रहा होगा, लेकिन जो उस अनादिकाल से वर्तमान तक अक्षुण्ण है। दुनिया में अनेकों लुप्त संस्कृतियों का जिसने अध्ययन किया, ऐसा एक चिंतक वर्सलुई, उसने लिखा कि संपूर्ण विश्व के इन अब्राहमिक विचारधाराओं के आने के पहले जो संस्कृतियां थी पल्लवित हुई, पुष्पित हुई और बर्बर आक्रमणों में वो विनिष्ट हो गई, आज उसके कुछ अवशेष मात्र है, लेकिन वे क्या थी, उनके जीवन मूल्य क्या थे, इनको अगर वास्तव में आज अगर समझना है उनको, तो एकमात्र जीवित संस्कृति हिंदू संस्कृति के प्रकाश में ही उसको वो समझ सकते हैं। और इस नाते से यह सांस्कृतिक यात्रा हमारी उस अनादि अतीत से वर्तमान तक अखंड रूप से प्रवाहित है, और ये अखंड इसलिए रही तो स्वाभाविक जो हमने एक तीसरा शब्द प्रयोग किया है प्रतिरोध, जब सर्वंकष आक्रमण होते हैं तो सब कुछ विनाश हो जाता है, लेकिन जब प्रतिरोध होते हैं तो विनाश को रोका जाता है और फिर से पुनरुत्थान की प्रक्रियाएं चलती हैं। और इस नाते से आज इस वर्तमान समय के अंदर ये तीन दिन अपना जो अधिवेशन चलेगा और इसका फलक जो व्यापक है, इसमें जो सत्रों की योजनाएं की गई हैं, उन सब की विषय सूची को देखने से ध्यान में आता है कि लगभग सभी प्रकार के विषय, सभी प्रकार के आयाम ये आने वाले तीन दिनों के अंदर हम अपने विचार विमर्श के अंदर समेटेंगे। जैसा कहा कि एक कालखंड था, इतिहास को विकृत किया गया, बहुत समय से सुन रहे हैं, जिसकी महेंद्रनाथ जी ने उल्लेख किया, BHU के अंदर स्कंदगुप्त के ऊपर सेमिनार हुआ, तो सेमिनार के
उद्घाटन में अमित शाह गए थे तो उन्होंने कहा कब तक हम ये चिल्लाते रहेंगे कि वामपंथियों ने ये लिखा, वामपंथियों ने ये लिखा। उनका टाइम था, उनने लिखा, आपको किसने रोका है लिखने से? तो बजाय अब इसकी चर्चा करने के उनने क्या लिखा था क्या लिखा था, उस मानसिकता से निकलकर, उस चर्चा से निकलकर हम अपना इतिहास लिखें, हम अपनी जड़ों से जुड़कर अपना इतिहास लिखें। गलत चीज को सही सिद्ध करने में बहुत तर्क लगते हैं, लेकिन जिसके साथ सत्य का अधिष्ठान है उसको उठाने में टाइम नहीं लगता, केवल विश्वास की जरूरत पड़ती है। और इसीलिए विषय आया है इस स्वबोध का। बिना स्व के बोध के मायावी आक्रमणों का प्रतिकार नहीं होता है। जब बंग भंग हुआ उस समय ये भारत की आत्मा का विखंडन है और इसलिए इसके विरोध के अंदर बंग भंग विरोधी आंदोलन चला, उस आंदोलन के अंदर ही स्वदेशी आंदोलन की उत्पत्ति हुई और उस स्वदेशी आंदोलन ने संपूर्ण देश के अंदर, जीवन के हर क्षेत्र के अंदर एक पुनर्जागरण का भाव, एक अपने स्व से जुड़ने का भाव, उस स्व को अभिव्यक्त करने का भाव, उसका जागरण किया। वो साहित्य के क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, विज्ञान के क्षेत्र में हो, प्रत्येक क्षेत्र के अंदर और ये स्व की जागृति हुई। इस स्वदेशी आंदोलन का जब एक वर्ष पूरा हुआ, 1920 में प्रारंभ हुआ, 1921 में जब एक साल पूरा हुआ, तो उस एक वर्ष के पूर्ण होने पर कलकत्ता में एक सभा हुई। उस सभा में रविन्द्रनाथ टैगोर का एक भाषण है। उस भाषण के अंदर उन्होंने कहा कि ये जो ब्रिटिश आक्रमण है इसको ऐसा मत समझो कि ये कोई लूट करने के लिए, कोई अपना राज्य स्थापित करने के लिए है, ये इतना मात्र नहीं है। तो उन्होंने कहा कि यह एक सर्वंकष आक्रमण है और इस आक्रमणकारी ऐसा है कि इसका मुकाबला करने के लिए अगर आप इसके पीछे धनुष बाण लेकर के चलेंगे तो आप इसके पीछे दौड़ते रहेंगे, ये आपको दौड़ाता रहेगा और समय समय पर रूप बदलता रहेगा। उनके 21वें वाक्य थे कि आज आपको यह अंग्रेज के रूप में दिखाई दे रहा है, कल को आपको किसी और रूप में दिखाई देगा और आगे उन्होंने कहा परसों किसी भारतीय के रूप में भी आपको दिखाई दे सकता है। आप इसके पीछे दौड़ते रहेंगे थक जाएंगे लेकिन इसको हरा नहीं पाएंगे। तो बोले हराने का मार्ग क्या है? बोले अपनी आत्मा का, अपने स्व का साक्षात्कार। जितना अधिक आप अपनी आत्मा के निकट आएंगे, जितना अधिक उसका आप साक्षात्कार करेंगे, उतना उतना ये माया का जो पर्दा है वो फटता चला जाएगा। मैं समझता हूँ कि इस बौद्धिक दासता के रूप में इस स्व को दबाने का, जिसका श्री अरविंद से लेकर सबने कहा कि राजनीतिक स्वतंत्रता मिली लेकिन सांस्कृतिक, बौद्धिक, मानसिक, आध्यात्मिक इससे हम परतंत्र है, उस मायावी आक्रमण से बाहर निकलने का, ये जो स्व के साक्षात्कार की अभिव्यक्ति का आज का जो प्रसंग आया है, जो वातावरण बना है और जिसके चिन्ह आज हम देश के अंदर और दुनिया के अंदर देख रहे हैं, उस समय के अंदर इस अतीत से लेकर वर्तमान तक की अपनी ये जो यात्रा है उन पृष्ठों को आज सामने लाने की आवश्यकता है। और इस नाते से मुझे लगता है कि एक तरफ एक तंत्र के अंदर इन बातों को ले जाने के लिए जो आवश्यकता हमको पड़ेगी कि वैकल्पिक जो इस समग्र अतीत से वर्तमान तक की हमारी वास्तविक यात्रा की अभिव्यक्ति करने के लायक सामग्री से युक्त
हर स्तर की और पाठ्य पुस्तकों का निर्माण एक बड़ा चैलेंज है। केवल सेमिनार, सभा, सम्मेलन, भाषण, प्रस्ताव आदि करने से इसको पूर्णतः नहीं बदला जा सकता, और इसलिए एक अवसर आया है कि नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की प्रक्रिया के अंदर, आने वाले समय के अंदर, प्रारंभिक समय तो अभी प्रारंभ हो जाएगा, जो पहले 5 वर्ष की शिक्षा है वह भारतीय प्रतिमान के आधार पर, पंचकोश के और संकल्पनाओं के आधार पर आने वाले 2023 के फरवरी के अंदर ही, और सरस्वती पूजा के दिन, और भारत सरकार इसको लॉन्च कर देगी। आने वाले समय के अंदर जो स्कूली शिक्षा है और उच्च शिक्षा है उसके उस समग्र और इतिहास बोध के पाठ्यक्रम को उसके अनुकूल पाठ्य पुस्तक की परिधि के रूप में, और मुझे लगता है कि एक बड़ा एक चैलेंज है कि जिसके संदर्भ के अंदर हम सब लोगों को आने वाले समय के अंदर एक प्रयत्न और पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। दूसरी ओर संपूर्ण जन समाज के अंदर ये जो अतीत से लेकर के वर्तमान तक हमारी जो संघर्ष की यात्रा है, वह हर आयु वर्ग के लोगों के अंदर उसको जागृत करने के लिए इतिहास के भिन्न भिन्न गौरवशाली कालखंडों के कथानकों को लेकर के, और एक श्रृंखला जो है वह संपूर्ण देश के अंदर सेमिनारों के रूप में, भाषणों के रूप में, प्रश्न मंचों के रूप के अंदर, इस संदर्भ के अंदर भी और आने वाले समय के अंदर एक योजना बनाने की आवश्यकता लगेगी। ये जितने भी अनेकों लोग जिन्होंने बड़ा परिश्रम किया, आज इतिहास बोध के नाम पर और एक 15वीं शताब्दी के बाद एक 400-500 साल का यूरोपीय जातियों का इतिहास ही और विमर्श का विषय है, जबकि हजार हजार साल तक, 1200-1200 साल तक भूभाग को प्रभावित करने वाले राजवंशों, उसकी कोई चर्चा नहीं। और इस नाते मुझे लगता है कि इस अधिवेशन के अंदर हम आने वाले समय के अंदर वह चोल वंश, जिसने संपूर्ण साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर हजार साल से अधिक समय तक भारतीय संस्कृति की ध्वजा को फहराया, उड़ीसा का जो क्षेत्र है वहाँ का कलिंग, वहाँ का शैलेंद्र राजवंश और शैल राजवंश, शैलों ने 6वीं से 8वीं शताब्दी के बीच में, और इंडोनेशिया के अंदर प्रम्बनन का मंदिर जो आज भी गौरव के साथ खड़ा है, शैलेंद्र राजवंश जिनके बोरोबुदुर आज भी भारत की सांस्कृतिक यात्रा की कहानी कहते हैं, संपूर्ण साउथ ईस्ट एशिया के वे कलात्मक स्मारक, डॉक्टर रघुवीर बड़ा कलात्मक वर्णन करते थे कि साउथ ईस्ट एशिया की आप यात्रा करते हैं तो कृपया थोड़ा हाईवे से जरा नीचे उतरिए और थोड़ा आगे बढ़िए तो अनेकों शताब्दियां आपके लिए अपना दरवाजा खोल देंगी। भारत की संस्कृति की हजारों साल की यात्राओं के चिन्ह हमको चारों तरफ दिखाई देते हैं। आज आवश्यकता है, जिस स्तनगुप्त की चर्चा हुई, जिन हूणों की मार से घबरा करके चीन में बड़ी दीवाल का बनाना प्रारंभ हुआ, जो ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया कहते हैं, वो जिनकी डर के कारण बनी, उस हूणों को जब स्कंदगुप्त ने पराभूत किया है, तब चीन के सम्राट ने स्कंदगुप्त को अभिनंदन किया कि एक महाभय से आपने हमको मुक्त किया। और इस नाते से मैं समझता हूं कि चोल है, पांडे हैं, वाकाटक हैं, परमार हैं, भोज हैं, विक्रम हैं, इधर से लेकर के और लाचित बड़फुकन है, महाराजा पृथु बख्तियार खिलजी जिसने नालंदा को
नष्ट किया और आसाम के रास्ते चीन की तरफ बढ़ना चाहता था, लेकिन अहोम आने के पहले महाराजा पृथु ने उस बख्तियार खिलजी की कब्र वहीं पर बना दी और आज भी गुवाहाटी के पास लगा हुआ शिलालेख इसकी गवाही देता है, जहां लिखा हुआ है कि कामरूपम के निकट आने पर यवन क्षय आयु, यवन की आयु जो है वो समाप्त हो जाती कामरूप आते आते। और इस नाते से मुझे लगता है कि यह जो एक प्रतिरोध की एक हमारी यात्रा है, आने वाले समय के अंदर यह लोगों के सामने, यह पाठ्यक्रमों के अंदर, यह चर्चाओं के अंदर इसको, और हम जितने प्रमाण के अंदर करेंगे उतने प्रमाण के अंदर। और एक अंतिम बात कि शीर्षक तो हमने रखा है कि स्व स्वतंत्रता और प्रतिरोध, लेकिन ये जो प्रतिरोध है ये डिफेंसिव है, बचाने के लिए डिफेंस ठीक है, लेकिन अब यहीं नहीं रुकना है। और इसलिए इस अधिवेशन से स्व स्वतंत्रता और प्रतिरोध, इससे आगे बढ़कर विजय के लिए प्रयाण, इस दिशा के अंदर ये अधिवेशन आने वाले समय के अंदर अपनी कार्य योजना, अपना चिंतन करें। महर्षि अरविंद ने कहा था डिफेंसिव प्रतिकार जो है वह केवल मात्र पर्याप्त नहीं होता, और इसलिए एक शब्द प्रयोग किया था, यद्यपि हम आक्रमणकारी नहीं हैं, लेकिन उन्होंने शब्द प्रयोग किया था कि पुनर्जागरण के लिए भारत को एक सांस्कृतिक प्रत्याक्रमण करने की आवश्यकता है। और मैं समझता हूँ कि इस अधिवेशन से आने वाले समय के अंदर इस जीवन के सभी क्षेत्रों के अंदर इस स्वबोध की जागृति के साथ इस सांस्कृतिक प्रत्याक्रमण की यात्रा जो प्राचीन वैदिक काल के अंदर संपूर्ण विश्व में व्याप्त हुई थी, उसी प्रकार से और इस स्थान से एक प्रेरणा लेकर इस धारा को हम दृढ़ वेगवान बनाते हुए संपूर्ण भारत और धीरे धीरे संपूर्ण विश्व को इसके प्रवाह में लेने की दृष्टि से इस अधिवेशन में हम सब चिंतन मंथन करें। आप सबके चिंतन मंथन और पुरुषार्थ के लिए परमात्मा हम सबको सामर्थ्य और प्रेरणा दें। इसके साथ इस अधिवेशन की सफलता की अंतःकरण से शुभकामना करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। संतम सुशांतम सततम नमामि। जो संत मना है, सुशांत है, जिन्होंने ऋषित्व को जिया है, जीवन व्रति है, ऐसे आदरणीय सुनील जी का आशीर्वाद इस महाधिवेशन को आप सबको, हम सबको मिला है। हम सब भाग्यशाली हैं, अपनी ओर से, आप सबकी ओर से मैं उन किसी चरणों में नमन करता हूँ, ऐसे ही उनकी कृपा बनी रहे। समय थोड़ा सा आगे बढ़ा है, बौद्धिक विमर्श का क्षेत्र है, थोड़ा संभालेंगे इसको हम लोग। अध्यक्ष उद्बोधन के लिए मैं आज के समारोह के हमारे कार्य अध्यक्ष, योजना के अध्यक्ष डॉक्टर देव प्रसाद सिंह से अनुरोध करता हूँ, आवें, अपना आशीष दें। परम श्रद्धेय माननीय सोनी जी, हमारे युवा अवस्था के अनन्य सहयोगी, भारत सरकार के मंत्री डॉक्टर महेंद्रनाथ पांडे जी, हम सबको अपने परिसर में आमंत्रित कर अपने आतिथ्य से हमें धन्य किया। ऐसे हमारे प्रेरणा के स्रोत
माननीय गोपाल नारायण सिंह जी, जिनके कंधों पर गोपाल नारायण सिंह जी के सपनों को साकार करने का दायित्व है, ऐसे कुलपति माननीय डॉक्टर एमके सिंह जी, हमारे महासचिव प्रोफेसर ईश्वर सिंह विश्वकर्मा जी, हमारे सामने बैठी हुई महान विभूतियाँ प्रोफेसर जामखेड़कर जी, प्रोफेसर वी कृष्ण राव जी, प्रोफेसर सुमन जैन, प्रोफेसर अनिल कुमार दुबे, प्रोफेसर लाभ जी, जीवन समर्पित कार्यकर्ता, हमारे निरंतर प्रेरणा के लिए उपलब्ध माननीय बाल मुकुंद जी, माननीय सूबेदार जी, माननीय संजय जी, माननीय हेमंत धिंग मजुमदार जी, अनेक यहाँ प्रोफेसर आए हैं, किसका किसका नाम लूँ, माननीय जामखेड़कर जी, माननीय प्रोफेसर हरकेश जी, कुलपति आर के सिंह जी, प्रोफेसर रत्नम जी, प्रोफेसर कोट्रेस जी, इत्यादि इत्यादि महान प्रोफेसर, समय के संकोच के कारण चेहरा देख रहा हूँ, देश भर में घूमता रहता हूँ, कुलदीप त्यागी जी, विघ्नेश त्यागी जी, सबका नाम लेना संभव नहीं है, सभी यहाँ प्रेरणा के लिए, प्रेरणा प्राप्त करने के लिए उपस्थित बंधुओं एवं भगनियों, समारोह उद्घाटन समारोह की यह सभा पूर्ण सफलता प्राप्त कर चुकी है। इतिहास में संदर्भ है का न सभा, वह कौन सी सभा सभा नहीं है, तो उसका उत्तर दिया गया है सा न सभा ये न संति वृद्धा, न ते वृद्धा ये न वदन्ति धर्मम, न चौधर्मम यस्य नास्ति सत्यम, न तत्सत्यम यच्छलनानुभेपति। अर्थात जिस समारोह में, जिस सभा में ज्ञानी और अनुभवी लोग न हो, वह ज्ञानी और अनुभवी लोग धर्म की बात न करें और उनकी धर्म की बात में सत्य समाहित न हो और उस सत्य के प्रकाट्य में निश्चल और निष्कपट भाव न हो, वह समारोह समारोह नहीं है। हमारा समारोह पूर्ण सफल है कि यहाँ ज्ञानी और अनुभवी श्रद्धेय सोनी जी के उद्बोधन, माननीय पांडे जी के विचार के प्रकटीकरण और गोपाल नारायण सिंह जी के व्यक्तित्व को देखकर जो प्रेरणा प्राप्त होती है, वह है निश्चल भाव से सत्याचरण की प्रेरणा। और जहाँ सत्याचरण की प्रेरणा प्राप्त होती है, वह सभा पूर्णतः इस मानक पर सफल है। इसलिए महामंत्री जी ने कहा कि समय बढ़ गया है, हमें भी मालूम है, मैं शुगर का पेशेंट हूँ, हमें ज़्यादा मालूम है कि गोपाल नारायण जी का पोहा पच गया है और भोजन के समय आप भाषण सुनने के मूड में नहीं हैं, लेकिन कुछ मजबूरी है, कुछ कहना है, सुनाना है, माननीय सोनी जी के द्वारा निर्दिष्ट पथ का अनुसरण करना है। आज हमें एक नया सवेरा, एक नई प्रेरणा प्राप्त हुई कि हमें अभी डिफेंस की बात नहीं करनी है, हमको ऑफेंस की बात करनी है, हमें सांस्कृतिक प्रत्याक्रमण की बात करनी है। ये नया दिन हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक
जीवन में प्रेरणा का विषय बनने वाला है। सिर्फ कहा गया है, सिर्फ सूरज के चमकने से दिन नहीं निकलता, सिर्फ सूरज के चमकने से दिन नहीं निकलता, ख्यालातों को बदलने से भी सवेरा होता है। आज हमें अपने ख्यालात सोनी जी के निर्देशों पर ले चलने के लिए प्रेरणा मिली है, ये हमारे लिए हृदय में अंकित होने वाली, सीधे हृदय पर चोट पहुंचाने वाली बात है। महेंद्रनाथ पांडे जी ने अपने भाषण में कहा कि सिकंदर का आक्रमण आया, लौट क्यों गया? मैं इतिहास की भ्रांतियों विकृतियों पर सोनी जी के मार्गदर्शन के बाद कोई चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन एक बात हम अपने कार्य की महत्ता और अनिवार्यता की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करता हूं। जब हम विद्यार्थी थे, छोटे थे, तो पंडित जी, मुंशी जी, तिवारी जी, पांडे जी अरहर का डंडा तोड़ तोड़ करके हमारी पीठ पर मार मार के हमको रटाया, भारत की खोज किसने की? बताया वास्को डिगामा ने की। कब की? 1498 ईस्वी में की। खूब रटाया, हमने रटा, हमने भी रटाया। आगे बढ़ के बढ़े तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 ईसा पूर्व में हुआ। आक्रमण का कितना प्रभाव हुआ, किसने प्रतिरोध किया, कौन राजा पुरु था, कौन आम भी था, खूब रटाया। अब जब बताइए भारत की खोज 1498 ईस्वी में हुई तो सिकंदर किस भारत पर आक्रमण किया था? कहां का राजा अंबी था, कहां का राजा पुरु था? एक सिक्का मिला, उस सिक्के पर एक राजा का चिन्ह है, बताया सिकंदर का भारत पर आक्रमण है, राजा पुरु है। और ने पूछा आपने कहां से पढ़ा सिकंदर का भारत आक्रमण, तो कहा बा ने बताया। बा से पूछा आपने कहां से जाना, उसने कहा स ने बताया। स से पूछा आपने देखा, कहा नहीं, द ने बताया। कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है, सब गतानुगतिक साक्ष्य हैं, लेकिन हमको मार मार के पढ़ाया गया और हम अपनी जिंदगी भर वही पढ़ाते रहे। उम्र ढल गई, झड़ गए बाल, लटक गए गाल, यही पढ़ाते पढ़ाते आज अब ये अवसर आया। उम्र कहती है, जाने दीजिए उसको, दिल कहता है जवान हूं, उम्र कहती है नादान हूं। अभी जवानी और नादानी के बीच में नया संकल्प मिला है, उसको ईश्वर पूर्ण करने की दिशा में कुछ दिन आगे हमें बढ़ाएं। हमारे जैसे तमाम लोग, गिरीश भाई ठाकर वगैरह बैठे हुए हैं, सबकी यह तमन्ना है। यहाँ पर ये खुला अधिवेशन नहीं है, यहाँ पर वो लोग बुलाए गए हैं जो अखिल भारतीय इतिहास संकलन समिति के, भारतीय इतिहास संकलन समिति के अर्थात हमारे संगठन के आजीवन सदस्य हैं, केवल वह पात्र हैं। वह लोग बुलाए गए हैं जिनके हाथ में इस विषय पर अपना रिसर्च पेपर है। अब केवल आजीवन सदस्य केवल शोध पत्र लेके आने वाले व्यक्तियों की यह अधिवेशन है। अब इस अधिवेशन में रिसर्च स्कॉलर से नीचे का कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि शोध पत्र का लिखने का काम रिसर्च शुरू होने के बाद ही होता है। अब यहाँ पर एक विषय की ओर थोड़े समय में आपका ध्यान आकृष्ट करूँ, क्या अगर सोनी जी ने जो प्रेरणा दी है, जो संकल्प लेने की लिए हमारी अंतश्चेतना जागृत हुई है,
हम भारत कहते हैं, आपका काम क्या है? एक वाक्य में वाल्मीकि जी कहते हैं, राष्ट्रीय चैतन्य के प्रकाश में ग्राम स्तर से तथ्यों का संकलन करते हुए भारत का तथ्यपरक मूलभूत इतिहास लेखन, यह हमारा काम है। अर्थात राष्ट्रीय चैतन्य का निर्माण, यह भी हमारा काम है। और राष्ट्रीय चैतन्य के प्रकाश में ग्राम स्तर से तथ्यों का संकलन, ये भी हमारा काम है। उस तथ्यों का वर्गीकरण, उसके आधार पर इतिहास की रचना, यह भी हमारा काम है। और इस काम को पूरा करने के लिए हम रिसर्च स्कॉलर हैं तो क्या करें, हम एसोसिएट प्रोफेसर हैं तो क्या करें, हम प्रोफेसर हैं तो क्या करें, हम रिसर्च गाइड हैं तो क्या करें, हम क्या करें, ये जो प्रश्न आता है, इसी प्रश्न पर आपका ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करता हूं दो चार मिनट में। हम क्या करें कि हमारा स्व हमारी लेखनी में प्रकट हो, स्वयं में वो प्रकट हो। हम चाहते हैं कि जब हम अपनी लेखनी उठाएं तो हम भारतीय काल गणना का प्रयोग करें। हम ईसा पूर्व और ईसवी संवत का प्रयोग करने के अभ्यासी हैं। प्रारंभ में कठिनाई आएगी, लेकिन हम कलि युगाब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पिछले 35 वर्षों से विचार परिवार के सभी मंचों पर कलि युगाब्द का प्रयोग होता है, हमारे शोध पत्र में, हमारी थीसिस में, हमारी पुस्तकों में। ईसवी सन ईसा पूर्व के साथ कलि युगाब्द का अगर हम प्रारंभ करेंगे तो हमारा स्व धीरे धीरे अपने आप आकार लेगा। हम चाहते हैं राष्ट्रीय चैतन्य के प्रकाश में भारत का इतिहास लिखें। तो जहां देश का अविधान, नॉमिन कल्चर की बात आए, वहां हम भारत के संविधान में जो लिखा गया है उसको किनारे रख दें। इंडिया दैट इज भारत, नहीं, हमें नहीं स्वीकार है इतिहास को। भारत, भारत और भारत, यही हमारी लेखनी में प्रयोग होना चाहिए। और जहां पर भारत देश के लिए नाम का प्रयोग हो, वहां हिंदी में हो तो भारत प्रयोग करें, अंग्रेजी में हो तो भारत प्रयोग करें, हम आगे बढ़ेंगे। हम इतिहास में जब आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे जब भी हम इतिहास की चर्चा करते हैं, हम गांव में चर्चा करते हैं, स्कूल में चर्चा करते हैं, विद्यार्थियों के बीच में चर्चा करते हैं, 20 की चर्चा, 50 के बीच में चर्चा करते हैं, जिस दिन हम इतिहास पर चर्चा करें उस दिन हम मान के चलें कि हम राष्ट्रीय चैतन्य के प्रकाश में इतिहास लेखन कर रहे हैं, इसलिए हम इतिहास दिवस का आयोजन कर रहे हैं। और इस इतिहास दिवस के आयोजन को सर्वव्यापी, सर्वस्पर्शी बनाने का प्रयास करें। हम जानते हैं कि इतिहास मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन करता है। यह मानव का क्रमिक विकास भौतिक भी है, सांस्कृतिक भी है। अभी जो इतिहास हमने पढ़ा है उसमें भारत का भौतिक स्वरूप दिखाई पड़ता है, सांस्कृतिक स्वरूप उसमें दिखाई नहीं पड़ता है। हम अपनी लेखनी में भारत के बारे में जब लिखें तो यह ध्यान में रखें कि भौतिक और सांस्कृतिक दोनों बातों का समावेश होना चाहिए। अगर भारत के इतिहास में भौतिक बातें आएंगी तो हम मार्क्सवादियों द्वारा वर्ग संघर्ष के आधार पर लिखे गए इतिहास की पुष्टि करेंगे। अगर भारत के इतिहास में
हम सांस्कृतिक चेतना का समावेश नहीं करेंगे तो भारत का शरीर दिखाई पड़ेगा, भारत का मन उसमें दिखाई नहीं पड़ेगा। भारत का मन और भारत का शरीर दोनों प्रकट हो, इसलिए भौतिक और सांस्कृतिक दोनों का समावेश हो, हमारे ये अंतर मन में, अंतस चेतना में स्थापित होना चाहिए। हम चाहते हैं कि भारतीय इतिहास में दूसरी संस्कृतियों से उधार लिए गए शब्दों के कारण अनेक स्थानों पर विकृतियां आई हैं, अनेक भ्रम उत्पन्न हुए हैं। हम इन भ्रमों का निवारण करना चाहते हैं तो दूसरी संस्कृतियों से उधार लिए गए शब्दों का प्रयोग न करें, क्योंकि शब्द का अर्थ के साथ अभिनाभाव संबंध होता है, अर्थ का संस्कृति के साथ अन्योन्याश्रित संबंध होता है। हम जब दूसरी संस्कृतियों से उधार लिए गए शब्दों का भारतीय इतिहास में प्रयोग करते हैं तो उन संस्कृतियों की विचार परंपरा को हम भारतीय इतिहास पर थोप देते हैं। इसलिए धर्म का प्रयोग हिंदी में, अंग्रेजी में हो तो धर्म के रूप में नहीं हो, धर्म ही हो, रिलीजन उसके अर्थ को संवाहक नहीं है। हम चाहते हैं कि समाज, संस्कृति, धर्म, राष्ट्र, इसका प्रयोग हमारी लेखना में हो कि मूल रूप में हो, धर्म राष्ट्र, क्योंकि राष्ट्र का प्रतिनिधित्व नेशन नहीं करता, धर्म का प्रतिनिधित्व रिलीजन नहीं करता, समाज का, भारतीय समाज का प्रतिनिधित्व सोसाइटी नहीं करती, भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधित्व कल्चर नहीं करती। अगर इन बातों को हम अपनी लेखनी में हम समाहित करेंगे तो धीरे धीरे वह विषय अपने आप स्थापित होगा जिसकी कल्पना माननीय मोरोपन जी ने, पूज्य बाबा साहब ने की थी। हमारा समाज और बौद्धिक समाज विशेष रूप से राष्ट्रीय आदर्शों के अभाव से ग्रस्त है। हमारे इतिहास लेखन का तथ्यों के आधार पर मूलभूत इतिहास लेखन का उद्देश्य क्या है, या जिस मंच पर महेंद्रनाथ पांडे जी हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, इसका लक्ष्य क्या है? इतिहास संकलन जो राष्ट्रीय चैतन्य प्रकाश में इतिहास का निर्माण करना चाहता है, जिसमें अतीत की गौरवमयी स्मृति, वर्तमान की वस्तुस्थिति, भविष्य की संकल्पना दिखाई पड़ेगी, उसका भी लक्ष्य है एक भारत श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत के निर्माण के लिए ही हम इतिहास की रचना करना चाहते हैं। सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विकास, इसका भी लक्ष्य किस बात के लिए है? एक भारत श्रेष्ठ भारत। उसी को हम संस्कृत में अपनी प्रार्थना में कहते हैं, परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम। तो परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए माननीय सोनी जी के मार्गदर्शन में जो हमको प्रेरणा मिली है, मैं विषय पर कुछ नहीं बोल रहा हूं क्योंकि सबके हाथ में पेपर है, 3 दिन यही करेंगे। मैं क्रांतिकारियों के योगदान के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं उस पर भी नहीं बोल रहा हूं जिसको पांडे जी ने कहा, हूणैरेस्य समागतस्य समरे दुर्भ्यम धरा कंपिता। सारी धरती कांप उठी थी जब हूणों के आक्रमण का प्रतिरोध हुआ, मैं उस पर भी नहीं बोलूंगा। खखरात वंश निरव शेष करस, मैं उस पर भी नहीं बोलूंगा। सक यमन पहलव निसूदनस, मेरा केवल आग्रह है कि जो माननीय सोनी जी ने हमें, हमारे मन को प्रेरित किया है, हमारे आगे का लक्ष्य प्रदान किया है, उसी के अनुसार हम कुछ
बातों का ध्यान करें और इतिहास संकलन से जुटने की अपनी सार्थकता ये सिद्ध करें, इसी निवेदन के साथ सबको प्रणाम। इतिहास कुशाभास शुक्रास्य महोदर अक्षसूत्रम पटम विभ्रत पंकजाभिरान्विता। इस पाथे के साथ उद्घाटन सत्र विराम लेता है। जिस भावभूमि पर गोपाल नरसिंह विश्वविद्यालय ने आप सबका आतिथ्य किया है, मैं वहाँ के माननीय कुलपति प्रोफेसर महेंद्रनाथ सिंह से अनुरोध करता हूँ, महेंद्र कुमार सिंह से, कि दो शब्द आप सबके लिए कहें। धन्यवाद सर। आज के इस उद्घाटन सत्र के हमारे मंचासीन अतिथिगण श्रीमान सुरेश सोनी जी, डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, श्री गोपाल नारायण सिंह जी कुलाधिपति गोपाल नारायण सिंह विश्वविद्यालय, देवी प्रसाद सिंह जी, ईश्वर शरण विश्वकर्मा जी, सभागार में उपस्थित प्रोफेसर हरिकेश सिंह जी, प्रोफेसर जगदीश सिंह जी, प्रोफेसर एम एल वर्मा जी, बाल मुकुंद जी, अन्य सभी विद्वज्जन एवं भाइयों बहनों, स्व स्वतंत्रता और प्रतिरोध अतीत से वर्तमान तक विषय पर राष्ट्रीय स्वयं संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य माननीय सुरेश सोनी जी के सारगर्भित पाथे से हम लोगों को नई दृष्टि प्राप्त हुई है और इसके लिए हम उनका कोटि से आभार व्यक्त करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि आगे भी आपका मार्गदर्शन हमें और इस विश्वविद्यालय परिवार को मिलता रहेगा। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया और अपने ओजपूर्ण उद्बोधन से हमको मार्गदर्शन प्रदान किया। हम आभार व्यक्त करना चाहते हैं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति एवं पूर्व सांसद माननीय गोपाल नारायण सिंह जी का, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए विश्वविद्यालय प्रबंधन को, विश्वविद्यालय परिवार के सभी लोगों को आंदोलित और उद्वेलित कर दिया, जिसका प्रतिफल आप इस सभागार में देख रहे हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विद्वज्जन जिनका मैंने नाम लिया, जिनका मैं नहीं नाम ले पाया, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और विशेष रूप से श्री देवी प्रसाद सिंह जी का और ईश्वर शरण विश्वकर्मा जी का, जिन्होंने इस विश्वविद्यालय को इस योग्य समझा कि इस कार्यक्रम का आयोजन इसी विश्वविद्यालय में होगा। ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात थी और मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ इस कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित करने के लिए। मैं विश्वविद्यालय परिवार के सभी लोगों से जो इस कार्यक्रम से परोक्ष या अपरोक्ष रूप से जुड़े हुए थे उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके कारण ही यह आयोजन इस स्वरूप में हमारे सामने उपस्थित है। मैं मीडिया और प्रेस के सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके कारण इस कार्यक्रम की संपूर्ण रूपरेखा, संपूर्ण मंथन, सभी विचार इस चार दीवारी के बाहर जनमानस तक पहुँच पाएंगे। उनका रोल बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। उद्घाटन सत्र जितनी कुशलता से संचालित हुआ है और जो उद्गार यहाँ प्रकट हुए हैं, आधार पर मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ कि इस अधिवेशन से देश के इतिहास लेखन को एक नई दिशा मिलेगी। अंत में रामचरितमानस की एक चौपाई के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। इस धन्यवाद ज्ञापन के क्रम में संदर्भ है, गरुण ने जब राम कथा सुनी तो उन्होंने काकभुसुंडी जी को जो धन्यवाद दिया है उसी के क्रम में ये बात है। गरुण ने कहा काकभुसुंडी से राम कथा सुनने के बाद कि मो कहूँ हो इन प्रति उपकारा, आपने जो इतनी सुंदर कथा सुनाई है उसके उपकार के बदले में कुछ नहीं कर सकता। मो कहीं कहूँ हो इन प्रति उपकारा, बंदौ तब पद बार ही बारा। मैं आप सबको बार बार नमन करता हूँ यहाँ उपस्थिति के लिए, धन्यवाद। हम सब वंदे मातरम के लिए करें, इसके पहले कुछ सूचनाएं हैं आप सबके लिए इस कार्यक्रम के बाद के सत्रों आदि की।
डॉक्टर ओमजी उपाध्याय और डॉक्टर रत्नेश त्रिपाठी जी कोई आ जाए। महाशारदेय और सम्मान्य मंच को मेरा प्रणत निवेदन। अध्यात्म और संस्कृति की प्रसूता इस भूमि में, इस अंचल में स्थित इस विश्वविद्यालय जो आदरणीय गोपाल नारायण सिंह जी की सर्जना है, उसमें पधारे इस लघु भारत को मेरा अभिनंदन। इस उद्घाटन सत्र के उपरांत भोजन के लिए, भोजन के जस्ट बाद 2:30 बजे से हमारा सत्रों का कार्यक्रम होगा। हमने एक साथ 6 समानांतर सत्रों की संकल्पना की है। एक साथ 6 समानांतर अकादमिक सत्र संचालित होंगे, जिसमें से 2 सत्र इसी बिल्डिंग में, इसी भवन में, इस हॉल के जस्ट बगल में कॉन्फ्रेंस रूम है, कॉन्फ्रेंस हॉल है उसमें, और नीचे के ऑडिटोरियम में, और इसके साथ ही जस्ट इस बिल्डिंग के बाहर, ठीक इस बिल्डिंग के बाहर डायगोनल नर्सिंग कॉलेज है। नर्सिंग कॉलेज के 4 कक्ष LT 2, 3, 8 और 9, लेक्चर हॉल 2, 3, 8 और 9, आपको जो पूरा कार्यक्रम विवरणिका या सूची मिली होगी उसमें केवल एक संशोधन आप कर लीजिएगा कि LT 1 की जगह वहाँ पर LT 9 का प्रयोग करना है। लेक्चर थिएटर 1 की जगह 9 का प्रयोग करना है। केवल इस एक संशोधन के साथ जो 6 समानांतर सत्र हैं, जो हमारी 5 थीम्स बटी हुई हैं, जिसे हमने प्राचीन भारत में स्व और प्रतिरोध, मध्यकालीन भारत को हमने भारतीय क्षत्रप एवं आक्रांताओं का प्रतिरोध, तीसरी जो थीम है यूरोपीय आक्रांता और भारतीय प्रतिरोध, चौथी थीम अल्पज्ञात नायक घटनाएँ और स्थल उनके ऊपर, और 5वां हमने एक मिसलेनियस या विविध रखा है। इनमें 6 समानांतर सत्रों के लिए आज 2:30 से 4 का सत्र, फिर 4:30 से 6 का सत्र, उसके बाद 6 बजे चाय, 6:30 के बाद आप पुनः यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए इसी हाल में एकत्र होंगे। कल का 9 बजे से फिर सत्र हम शुरू करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। डॉक्टर सौरभ मिश्र वंदे मातरम के लिए आप सब अपने स्थान पर खड़े हो गए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम सस्यशामला मातरम, वंदे मातरम। शुभ्रज्योत्सना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरं वंदे मातरं। कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजै कृत खर करवाले अबला केन मायत बले बहुबल धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी मातरम वंदे मातरम। तुम्हें विद्या तुम्हें धर्म तुम्हें हृदय तुम्हें मर्म त्वमहि प्राणाः शरीरे बहुते तुम्हें मा शक्ति हृदय तुम्हें मा भक्ति तोमरई प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरम वंदे मातरम। त्वमहि दुर्गा दश प्रहर धारिणी कमला कमल दल विहारिणी
वाणी विद्यादायिनी नमामि त्वाम नमामि कमलाम अमलाम अतुलाम सुजलाम सुफलाम मातरम वंदे मातरम श्यामलाम सरलाम सुस्मिताम भूषिताम धरणीम बरणीम मातरम वंदे मातरम वंदे मातरम भारत माता की। धन्यवाद। Thank you.